लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पद्मालया पद्मकरा पद्मपत्र निवेक्षणा वंदे पद्ममुखीं देवीं पद्मनाभ प्रियामहं पद्मालया। मास्टर साहब, रामनगर जाना है। बता सकते हैं रिक्शा या बैलगाड़ी मिलेगी? जी नहीं, यहाँ से 5 मील दूर तक आपको पैदल चलना होगा। वहाँ एक नदी आएगी, नदी को कश्ती से पार करना पड़ेगा। अजनबी लगते हो। अजनबी तो नहीं हूँ, बरसों बाद लौटा हूँ। लगता है इतने बरसों में कुछ बदला नहीं है। ये स्टेशन जैसे मैं छोड़ गया था आज भी वैसा ही है। स्टेशन क्या, गाँव का भी यही हाल है। 50 साल पहले जैसा था वैसा आज भी है। बस उम्मीद है कोई आएगा और इस गाँव की हालत और शक्ल को सुधारेगा। लड़की हा? सुनो जी, मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया? मैंने क्या एहसान किया जो आप मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं बाबूजी? मैं स्टेशन से लेकर यहाँ तक तुम जो धुन गुनगुना रही थी उसी को सुनता हुआ आ रहा था। कितनी मिठास थी उसमें। ये ऊबड़ खाबड़ टेढ़ा मेढ़ा रास्ता कैसे कट गया पता ही नहीं चला। क्या नाम है तुम्हारा? चंपा। क्या काम करती हो? फूल बेचती हूँ बाबूजी। अरे चंपा, कश्ती जा रही है, जल्दी आओ। अच्छा बाबूजी। चोरी चुगलखोर, दो कौड़ी की फूल बेचने वाली हमारी शिकायत करती है। राजू को किसने बताया कि उसके बाग से हमने फूल तोड़े? जवाब दे वरना ना काटूंगी। उन लोगों ने मुझे पकड़कर धमकी दी और कहा कि नुकसान का सारा पैसा मुझसे वसूल करेंगे। मैं गरीब फूल बेचने वाली आखिर इतनी रकम कहां से भर सकती थी, तो मैंने बता दिया। तेरी जुबान पर हमारा नाम आया कैसे? आज तेरा सारा घमंड चुगलखोरी अगर हमने ना निकाल दिया तो हमारा नाम भी रेखा नहीं। आप मेरी बात तो सुनिए, छोड़ दीजिए। कभी ऐसा किया तो जान से मार डालूंगी। हिटलर की औलाद दुनिया भर का नुकसान खुद करती है और तुम्हारे किए का जुर्माना ये भरेगी? हाथ छोड़कर तमीज से बात करो। ये हमारा गांव है, यहाँ जो हमारे जीने आएगा वो हम करेंगे। तुम कौन होते हो हमसे पूछने वाले? मैं एक इंसान, और वो लोग
जिनकी शक्लें तो इंसानों जैसी होती हैं, लेकिन हरकतें जानवरों जैसी करते हैं, उन्हें मैं अक्सर इंसान बनाने की कोशिश किया करता हूँ। ओहो, गांव में नए आए हो शायद, इसीलिए हमारा हाथ पकड़ने की हिम्मत की तुमने। तुम ये जानते नहीं हम कौन हैं और क्या कर सकते हैं? क्या कर सकती हो? काट लूंगी अगर दोबारा ऐसी आ सकती तो की बच्ची चल यहाँ से। कम ऑन गर्ल्स। बाबूजी, ये गोविंद है। इस अकस्मात में इसकी बोलने की शक्ति चली गई। ये सुन सकता है, बोल नहीं सकता। गोविंद, ये बाबूजी है ना, शहर से आए हैं, बहुत अच्छे हैं। आज रेखा ने गुस्से में मेरी फूलों की टोकरी जमीन पर पटक दी ना, तो इन्होंने सब खूब डांटा। लेकिन चंपा, ये मूंछड़ी और बदतमीज लड़की है कौन? गाँव के ठाकुर है ना शेर सिंह बंदूक वाले, उनकी बेटी है, शहर से पढ़कर आई है। बाप की ताकत और पैसे ने एकदम घमंडी बना दिया। बाप पर बेटी ने जो कह दिया वो भगवत गीता रामायण की लिखाई है, उसके आगे सबको सर झुकाना ही पड़ता है बाबूजी। अच्छा अच्छा, तो अंग्रेज चले गए और अपने खोटे सिक्के यहाँ छोड़ गए। अगर किसी ने उसके खिलाफ कुछ कहा या किया तो वो क्या कर लेगा? वो गोली मार देगा। अल्लाह का फजल है। आदाब है सरकार। नमस्ते मालिक। आज सारे भारत में हमारे गांव का नाम सबसे ऊंचा है। किसकी वजह से? मेरी वजह से। हर खेत पंजाब की तरह लाजवाब है। किसकी वजह से? मेरी वजह से। इस गांव का हाल भोपाल हो रहा है। किसकी वजह से? इनकी वजह से। आज तक जो कुछ मैंने कहा वो मेरी वजह से नहीं था, इनकी वजह से था। मालिक, आपके चरणों की लगी हुई धूल को मेरा नमस्कार। मुझे मालूम नहीं था कि आप मेरे पीछे खड़े। मैं समझा कोई जानवर अपनी सींग से मेरे पीठ पे खटमंडू बना रहा है। अबे मुनीम के बच्चे, तुझ जैसे बकवासी इंसान की जबान जड़ से उखाड़ कर छोटे छोटे टुकड़े बनाकर कब्बों को खिला देनी चाहिए। हम तेरे पीछे खड़े थे, तुझे मालूम नहीं हुआ क्या? तू हमें पीछे से नहीं देख रहा? आखिरी बार गलती हो गई मालिक, अगली बार मैं आपको आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से चारों तरफ से देख लिया करूंगा। चुप। हम जा रहे हैं उस सरकारी डॉक्टर से मिलने। आप जा रहे हैं? हाँ, हमारी दावत ना कबूल करने का मजा चखाने के लिए। मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। अगर मैं इनके घर नहीं जाऊंगा तो क्या कर लेंगे हम? क्या कर लेंगे हम? हम कुछ नहीं करेंगे। हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे और हमारे जाने के बाद तुम्हारे चेहरे पर एक घमंड भरी जंग जीतने वाली मुस्कुराहट आ जाएगी। लेकिन थोड़ी देर बाद तुम्हारे दरवाजे के सामने एक आदमी आएगा बैलगाड़ी में बैठकर। वो तुमसे कहेगा, डॉक्टर साहब जल्दी चलिए चलिए, मेरी बीवी बहुत ज्यादा बीमार है। और तुम अपना सामान लेकर उसकी बैलगाड़ी में रख दोगे और तुम्हारा सफर शुरू हो जाएगा। और बैलगाड़ी गांव से बाहर निकल जाती है और थोड़ी देर में तुम सोचने लगते हो कि हे भगवान, ये बैलगाड़ी गलत रास्ते पे क्यों जा रही। तुम गाड़ी चलाने वाले से पूछोगे लेकिन वो कोई जवाब नहीं देगा और बैलगाड़ी बिना फाटक की रेलवे लाइन पर जाकर रुक जाती है। और तुम कहते हो, हे भगवान, ये गाड़ी इस मरघट पर क्यों आ गई। इतने में गाड़ी चलाने वाला तुम्हारे सर पर जोर से डंडा मारता है और तुम बेहोश हो जाते हो। और सामने से तेजी से ट्रेन चली आ रही है, वो तुम्हारी तरफ भागती चली आ रही है। आ गई और तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े बनाकर चली। और दूसरे दिन सारा गांव कहेगा, बेचारा शरीफ डॉक्टर हराम की मौत मारा गया। सारा गांव तुम्हारी मौत पर अफसोस करेगा लेकिन हम मन ही मन में खुश होंगे कि हमारा हुक्म न मानने वाला डॉक्टर कुत्ते की मौत मारा गया। सुनो डॉक्टर, तुम्हारी तकदीर की किताब में जो कल लिखा है वो हम आज पहले से तुम्हें सुना रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा कल नहीं चाहिए,
मुझे आज जैसा कल चाहिए, मैं आपका हर हुक्म मानने को तैयार हूँ। यहाँ जो भी रहता है उसे हमारी प्रजा बन के रहना पड़ता है, और जो कोई हमारे कानून के खिलाफ बगावत करने की कोशिश करता है तो हम उसे बिना फाटक की रेलवे लाइन पर लिटाकर उसकी जिंदगी खत्म कर देते हैं, समझे? जी। मतलब सरकार अगर इस गांव के सर हैं, तो मैं उस सर का सींग हूँ, और जो हमारी बात नहीं मानता मैं उसे सींग मार के सिंगापुर बना देता हूँ। माँ, माँ, मैं सावित्री देवी का बेटा हूँ, मेरी माँ घर पर नहीं है। आपकी माँ यहाँ कैसे हो सकती हैं? आज से कुछ 6 साल पहले ये मकान उन्होंने मुझे बेच दिया। बेच दिया? अब कहाँ है वो? वो अपनी बेटी के साथ गांव के बाहर किसी टूटे फूटे झोपड़े में रहती है। देख, शांता बहन के गेहूँ कूट दिए हैं, यह आटा उन्हें जाके दे दे और पैसे ले आना। ठीक है माँ, लक्ष्मण का कुर्ता भी मैंने सी दिया है, वो भी दे आती हूँ और पैसे ले आती हूँ। हाँ, आते वक्त दुकान से चावल ले आना, घर में चावल का एक दाना नहीं है। भैया, बेटे, तू तू कब आया? मेरी माँ लोगों की मजदूरी करके जब मुट्ठी पर चावल खरीदने का जिक्र कर रही थी, मैं उसी वक्त आ गया माँ। मगर रवि, इस तरह अचानक खबर दिए बगैर तू कैसे चला आया? अगर मैं अपने आने की खबर देता तो तुम लोग मुझे अपने दुखों की खबर कहाँ होने देते? चेहरे पर मुस्कुराहट की चादर डालकर अपनी तकलीफों को मुझसे छुपा लेते। नहीं बेटा, वो अब मुझे पता चला क्यों तुम हर त्योहार पर मुझसे मिलने शहर आया करती थी, क्यों मुझे गांव में नहीं आने देती थी। मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि घर बिक चुका है और तुम लोग ऐसे टूटे फूटे झोपड़े में रहते हो जिसकी हालत बताती है कि धूप में जलता है, बारिश में पानी से भरा रहता है, दो वक्त की रोटी कमाने के लिए मजदूरी करनी पड़ती है, मेरी बहन सुई धागा लेकर लोगों के कपड़े सीती है। मां, कब से तुम लोग ऐसी मरमर कर जीने वाली जिंदगी गुजार रहे हो? बताओ मां, बताओ ये बर्बादी कैसे हुई? मां, बताती हूं बेटे, सब कुछ बताती हूं। आज तक सारी हकीकत इसलिए छुपाई रखी तुझसे, अगर तुझे जरा भी शक होता तो पढ़ाई छोड़कर शहर से गांव आ जाता, और उनका एक ही अरमान था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर अपना और जमाने का बोझ उठाने के काबिल बन सके। लेकिन अब वक्त आ गया है, मैं तुझे सब कुछ बता दूंगी। बेटे, जब तू और पद्मा बहुत छोटे थे, तुम्हारे पिताजी इस गांव में स्कूल मास्टर थे, इस गांव का हर आदमी उनकी इज्जत करता था, उनकी सच्चाई और ईमानदारी की लोग कसमें खाते थे, कहते थे कि उनका नाम उनके माँ बाप ने बहुत सोच समझ कर रखा है, धर्ममूर्ति। एक दिन तुम्हारे पिताजी ने मुनीम और शेर सिंह को जुर्म करते हुए देख लिया, एक आदमी को जान से मारते हुए देखा, उन्होंने उनके खिलाफ अदालत में गवाही देने का फैसला कर लिया। शेर सिंह और मुनीम ने तुम्हारे पिताजी की बड़ी मेहनत की, उन्हें खरीदने की कोशिश की, धमकाया कि वो अदालत में गवाही ना दें, मगर तुम्हारे पिताजी ने सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, मैं एक स्कूल मास्टर हूँ, सच बोलना सिखाता हूँ, सच जरूर बोलूंगा। अदालत में तुम्हारे पिताजी ने गवाही दी, मगर शेर सिंह अमीर आदमी था, खुद को बचाने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया, सबूत खरीद लाया और सजा से बच गया, और उसके बाद वो लोग तुम्हारे पिताजी के दुश्मन बन गए, और एक दिन शाम को सूरज ढलने के बाद, आज मंदिर में कीर्तन है, मैं मंदिर जा रही हूँ। ठीक है। मेनका जी, आप क्या बात है? सर, आपने स्कूल के बच्चों के लिए जो नोट्स बनाए थे वो लेने आई हूँ।
नहीं नहीं हूँ ना, अगर मिल जाए तो पढ़ाने में आसानी हो जाएगी। हाँ क्यों नहीं, अब देखिए मैं भी लाता हूँ। मुझे बचाओ, छोटे कुत्ते का भी ना छोड़ दे मुझे, मेरी इज्जत लूट रहे, बचाओ बचाओ। क्या हो रहा है साहब, क्या हुआ बहन, बात क्या है, घबरा मत, हमें बताओ। ये मास्टर मुझे स्कूल के कुछ नोट्स देने के बहाने अपने घर पे बुलाया, मैं इस पर विश्वास करके यहाँ चली आई, मेरे आते इसने घर का दरवाजा बंद कर दिया और इसने मेरी इज्जत लूट ली। क्या कहीं मन करिए, ये झूठ है। सच और झूठ का फैसला गांव के पंचायत में होगा, चलो। लेकिन चलो, ये धर्म मूर्ति नहीं है, शैतान की मूर्ति है और ऐसी मूर्ति को तोड़ देना चाहिए। क्यों भाइयों, आपकी क्या राय है? इसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। भाइयों, ऐसा खतरनाक आदमी गाँव की बहू बेटियों की इज्जत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसीलिए हम इस खतरनाक आदमी को एक महीने तक गांव छोड़ देने का हुक्म देते, तब तक इसका हुक्का पानी बंद, ना कोई इससे बात करेगा ना खाना पानी देगा। ये हमारा हुक्म है जो हम अभी जारी करते हैं और ये हुक्म सारे गांव में फैला दिया जाए। मां, एक महीना गुजर गया और कुछ महीने गुजरे, वो वापस नहीं आए। मेरी बड़ी तमन्ना थी कि तुम्हें पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बनाऊं, इसलिए एक दिन। पैसे? कैसे पैसे? मेरे पति ने आपके स्कूल में 15 साल नौकरी की, उनका जो प्रोविडेंट फंड जमा है वो लेने आई हूँ। शायद तुम्हें मालूम नहीं, वो पैसे तो तुम्हारा पति कब का ले चुका है। क्या उन पैसों के साथ तुम करोगी क्या? अपने बेटे रवि को पढ़ाने के लिए शहर भेजूंगी। इसे पढ़ाने के लिए शहर भेजोगी? हाँ ठाकुर साहब, मैं पढ़ना चाहता हूँ। चुप है, तेरे बाप ने पढ़ लिख कर कौन से झंडे गाड़ दिए थे जो तू पढ़ लिख कर उखाड़ देगा उन्हें। पढ़ाई लिखाई में कोई दम नहीं है, काम कर, कल से हमारे यहाँ आ जाना, पैसों का तबेला साफ कर देना, गोबर ओबर उठा देना, हम कुछ पैसे दे देंगे तुझे। कम से कम 10 रुपये से दे दीजिए ताकि मैं इसे शहर भेज सकूं। आ गई अपनी औकात पर, भीख मांगना शुरू कर दिया। सावित्री, तुम्हारा पति धर्म मूर्ति तुम लोगों को भूख और प्यास की मूर्ति बना के यहाँ से चला गया। अब तुम्हारे सामने दो ही रास्ते, या तो अपने बच्चों से भीख मंगवाओ गली गली ताकि तुम्हारा गुजारा हो सके, या फिर हमारे यहाँ नौकरी के लिए भेज दो। कभी नहीं, कभी नहीं ठाकुर साहब, मैं भूखी मर जाऊंगी, लोगों की मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालूंगी, मगर दोबारा आपके दर पर कभी नहीं आऊंगी। मैं अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर अपने सुहाग की कसम खाती हूँ, मैं दुनिया का हर दुख बर्दाश्त कर लूंगी, मगर अपने बेटे को जरूर पढ़ाऊंगी, उसे बहुत बड़ा इंसान बनाऊंगी ताकि एक दिन वो आपसे अपने बाप की बेइज्जती का बदला ले। उस दिन ठाकुर ने मुझे बेइज्जत किया और वो इज्जत मैं अपने बेटे को तालीम देकर वापस पाना चाहती थी। जिस तरह इस गाँव ने तुम्हारे पिताजी का अपमान करके निकाला था, एक दिन उससे ज्यादा मान देकर तुम्हारा स्वागत करें, यही मेरी इच्छा थी, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ से बचपन में ही तुम्हारे चाचा के घर भेज दिया, अपना घर बेच दिया, मजदूरी करती रही और तुम्हें पढ़ाती रही ताकि तुम छोटे और गरीब इस गांव से जाओ और जवान पढ़े लिखे बनकर वापस आओ। माँ, तुमने अपनी मेहनत से बेटे की जिंदगी की गश्ती को पक के तूफान से निकाल के सुख के साहिल पर पहुंचा दिया, खुद हर दुख सहती रही और इन पवित्र आंसुओं से मेरी जिंदगी के नाजुक पौधे को सींचती आई। आज वो पौधा पेड़ बनकर अपनी मां को सहाय देने का वादा करता है और कसम खाता है दो बातों की, एक अपनी मां की हर तमन्ना पूरी करने की और दूसरी अपने पिता पर लगे इल्जाम को मिटाकर उसे बेगुनाह और इज्जतदार साबित करने की। सरकार, ये वो पंचायत के सारे माननीय मेंबर आ चुके हैं, कोई तजवीज पास करनी है तो। दादी,
बेटी रेखा। डैडी। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? डैडी डैडी, हम है ना गिरधर के आम के बाग में गए थे, उसके सारे पेड़ आमों से भरे थे। हमने एक पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ा तो इतने में गिरधर आ गया और आते ही हमें डांटने लगा, ए लड़की उतर नीचे, और फिर हमें गाली भी देने लगा। गिरधर ने तुम्हें गाली दी? गिरधर गाली देना कब से सीख गया? क्या वो जानता नहीं कि इस गांव में सिवा हमारे गाली देने की इजाजत किसी को नहीं? फिर उसने हमें धक्का देकर बाहर निकाल दिया। उसने तुम्हें धक्का दिया? मुनीम जी, जी हम यहाँ के कौन है? कौन है? कौन है? नहीं, मैं आप हम यहाँ के महाराज महाराज हैं। और ये हमारी कौन है? ये आपकी बेटी है सरकार। बेटी है ना, तो फिर उस गिरधर की मजाल इतनी कैसे हुई कि उसने बदतमीजी के साथ हमारी बेटी को गाली दी? बदतमीजी से क्या सरकार, उसको तो तमीज से भी गाली देने की इजाजत नहीं है। उसके मुंह से गाली निकली कैसे? हो सकता है कि चर्बी ही चढ़ गई होगी। चर्बी किससे पूछ के चढ़ी? मैं काम करता हूँ, पहले उसकी चर्बी उतारता हूँ फिर उसको पूछता हूँ चर्बी कैसे चढ़ी। हाँ बंदूक जी, गेंडे हमारे साथ आओ। मुनीम जी पार्लियामेंट संभालो, पार्लियामेंट संभालो। रोई आम मचने ना पाए, वो टहनी हिला के गिराओ, गिराओ वहां से भी गिराओ, एक आम बचने ना पाए दरखत पे। वो जो आम हमको दिख रहे हैं वो भी गिराओ। खामोश। हम जिंदगी भर तक तुम्हें अपने कदमों में रोता हुआ देख सकते हैं, लेकिन अपनी बेटी की एक सिसकी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सरकार मुझ पे जुलम मत कीजिए, ये मेरी साल भर की कमाई है सरकार। तो क्या हुआ, क्या हुआ? ये सारे के सारे आम एक बैलगाड़ी में डाल के हमारी हवेली में पहुंचा दो। ये लो दानों, तुम्हारी लूटमार को खत्म करके तुम्हारी जबरदस्ती की हुकूमत को उजाड़ने वाला, हिम्मत वाला। क्या मतलब? इतने सारे आमों के बदले 100 रुपया देकर तुम इस गरीब का खून चूसना चाहते हो? लगता है गांव में नए आए हो, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा और मेरे जाने के बाद तुम्हारे चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कुराहट आ जाएगी। और जब तुम अपने घर जाओगे और घर जाकर हराम की कमाई से पकाया हुआ खाना खाने के बाद आराम करोगे, अचानक आधी रात को तुम्हारी खाट चलने लगेगी, तुम्हारी आंख खुल जाएगी, तुम सोचोगे हे भगवान ये खाट कहाँ जा रही है। तुम उठने की कोशिश करोगे मगर उठ नहीं पाओगे, तुम लाचार देखते जाओगे और चारपाई आगे बढ़ती ही जाएगी, गांव की हद से बाहर निकल जाएगी और बिना फाटक की रेलवे लाइन पर रख दी जाएगी, और दूसरी तरफ से ट्रेन तुम्हारी तरफ बढ़ती आएगी, बढ़ती आएगी, बढ़ती आएगी। आ गई, तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करते हुए निकल जाएगी। दूसरे दिन सारा गांव कहेगा बेचारा शेर सिंह हराम की मौत मारा गया। सब लोग तुम्हारी मौत पर अफसोस करेंगे और मैं कहूंगा सारे गांव की पनौती गई। वाह बेटा वाह, हमारी कहानी हमारे ढंग से हमको सुना के हम ही को डराते हो। बंदूक चे। अब क्या करोगे, इसमें तो गोलियां भी नहीं है, इसे चूल्हे में फेंक दो। हमारी बंदूक हम ही से छीन कर हमारी गोलियां हवा में जाया करके हम पे रोक जमाने वाला कौन है, कहां से आया है? दिल्ली से आया हूं। दिल्ली से? हाँ दिल्ली से, मुझे तफ्तीश के लिए भेजा गया। गवर्नमेंट को तुम्हारी बिना फाटक की रेलवे लाइन की कहानियों का पता चल गया, अब मैं दिल्ली से मिलिट्री लेकर आऊंगा और तुम्हें जेल की हवा खिलाऊंगा। देखा देखा ये बैल, देखा कैसे मस्त है, वो आदमी ने अभी खरीद के लाया है। चलो बैलगाड़ी में बैठकर हवा खाकर आते हैं। चलो चलो
मुझे बहुत अफसोस है कि तुम बैलगाड़ी से गिर गई, कहीं चोट वोट तो नहीं लगी? कपड़े खराब हो गए, यहाँ खराब हो गए दादा। जंगली बदतमीज, हाथ मत लगाना वरना। वरना क्या? मैं काट लूंगी। काट लेगी? अरे लड़की है या जानवर? मत कर नाक तेरा लंबा है, लड़की नहीं है तू लकड़ी का खंबा है, बक बक मत कर नाक तेरा लंबा है। आ आ इधर तू आ आ, आ आ इधर तू आ आ। रामनगर में बनने वाले डैम के इंजीनियर अपॉइंट किए गए हो, फौरन वहां जाके डैम के लिए मुनासिब जगह तलाश करो। जी हाँ। और हाँ, तुम्हारे रहने के लिए क्वार्टर्स का बंदोबस्त कर दिया गया है। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। नारायण दास वो ठीक है।
कहता था दिल्ली जाके मिलिट्री लाएगा, वो देखो ट्रकों में मिलिट्री आ रही है, ट्रक किधर ही आ रहे हैं। मैं चलता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुनीम जी, ओहो अंकल आप भी कमाल है, ये कोई मिलिट्री के ट्रक थोड़े हैं। तो फिर इनमें माल आ रहा है। माल कैसा माल? इस गांव की नदी पर एक डैम बन रहा है ना, उसके लिए इन ट्रकों में सामान आ रहा है। सच बेटा? आपकी कसम पिताजी। देखा आप ही खाओ का घबरा के भागलपुर हो रहे थे, मेरे होते हुए आपको डरने की क्या जरूरत है? हमसे पहले तो तू भाग रहा था बे। अबे ठीक नहीं अंकल, इस गांव के अंदर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, आप कुछ चक्कर चलाकर उसका कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिलवा दीजिए। मैं एक छोटे मोटे ब्रिज बनाकर दुखी हो गया हूँ, कमाई भी कुछ खास नहीं होती है। एक मिनट। तो इस गांव की नदी पर बांध बन रहा है? अरे मगर नदी पर बांध बनेगा तो आपकी कितनी जमीन पानी के नीचे डूब जाएगी, आपका नुकसान पूरा हो जाएगा। माँ, यही वो क्वार्टर है जो गवर्नमेंट से हमें मिला है। अच्छा माँ, कैसे लगा ये नया घर? बहुत अच्छा है बेटे, मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी कि मेरा बेटा जब भी इस गांव में बड़ा होकर आए तो इंजीनियर बनकर आए। आज भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। माँ, अब हमें इस लड़की की शादी कर देनी चाहिए। क्यों पद्मा, ठीक है ना? अपनी शादी करो ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अरे अब हम जैसे टेढ़े मेढ़े बनारसी खरबूजे से कौन शादी करेगा, सबसे पहले हम अपनी चांद जैसी बहन की शादी करेंगे। ये गुंडा यहाँ अच्छा लगेगा। नहीं बाबा, इज्जत मत करो, गोविंद से क्यों झगड़ा कर रही हो? देखो तो बाबू जी, इसको कब से कह रही हो ये गमला यहाँ अच्छा लगे, ये सुनता ही नहीं। अरे गोविंद, तुम्हारा क्या ख्याल है, ये गमला यहाँ अच्छा नहीं लगेगा? जोर जोर से तकलीफ लाने का मतलब ये नहीं कि तुम आसमान से उतरो, ये गमला यही लगेगा और हर आने जाने वाले की नजर पहले इस पर पड़ेगी। एक मिनट, तुम एक नया गमला ले आओ, तुम्हें जहाँ अच्छा लगता तुम वहाँ रख दो, और तुम इस गमले को तुम्हें जहाँ अच्छा लगता तुम वहाँ लगा दो। अच्छा लगेगा, ठीक है बेटा रवि, तुम ये कितने झगड़े मिटाता रहेगा, झगड़े के बगैर इन्हें भूख नहीं लगती, और खाना खाने के बाद ये झगड़ा ना करे तो इनका खाना हजम नहीं होता। इनका झगड़ा मिटाने का एक ही तरीका है, इन दोनों की शादी कर दो। देखिए मुनीम जी, मुझे काम करने दीजिए, मेरा दिमाग मत चाटिए। मैं यहाँ डैम के लिए जगह तलाश करने आया हूँ, बेकार लोगों की बेकार जमीनें बिकवाने नहीं आया। क्या रे इंजीनियर बाबू, अगर तुमने शेर सिंह की बात नहीं मानी तो तुम्हारी नौकरी गोदावरी हो जाएगी। मिस्टर नारायण दास गोपाल दास, अगर आपने बकवास बंद नहीं की तो मैं आपको भिलाई भेजकर, वहाँ की लोहा पिघलाने की भट्टी में डलवा कर, जमशेदपुर बनाकर टाटा नगर में फिकवा दूंगा। मेरी नकल करते हो, मैं गोदावरी की बात करता हूँ तो भिलाई की बात करते हो? ये कोटो पैंट क्या पहन लिया, अपने आप को राजकोट समझ बैठे? हमसे उलझोगे तो हम तुम्हारा पठानकोट बना देंगे, याद रखना। अगर तुम यहाँ थोड़ी देर भी और ठहरे तो मैं तुम्हें कश्मीर से भगा कर, जम्मू में गिरा कर, दिल्ली में उठाकर, भोपाल में घुमाकर, मद्रास में नचाकर, कन्याकुमारी में ठोकर मारकर लंका के समुद्र में फेंक दूंगा। अब जाते हो या? सरकार, वो इंजीनियर तो बड़ा ही अकड़ा हुआ बांबू निकला, वो छाछ शरबत के चक्कर में पड़ने वाला नहीं है, और अगर हमने कोई जबरदस्ती की तो हमारा ही छाछ बनाकर हमें पिला के निकल जाएगा। नारायण दास, तुम्हारा नाम नारायण दास के बजाय गदे दास होना चाहिए था। सही वक्त पर सही राग अलापा करो और मौका देख के मंत्र पढ़ा करो। अगर कोई पंडित शादी के मंडप में अर्थी का मंत्र पढ़ने लगे, जानते हो लोग क्या करेंगे? उसे मार मार के मुर्दे के साथ कफन में लपेट कर उसे चिता में जला देंगे। सही वक्त पर सही मंत्र पढ़ा करो। मैं वहाँ धंधे की बात करने गया था या मंत्र पढ़ने गया था? यही कमी है ना तुम में, अगर तुम सही वक्त पर सही मंत्र पढ़ सकते तो आज हम नौकर और तुम मालिक होते। हाँ ये तो सही। अब देखो, सही मंत्र पढ़ के हम उस इंजीनियर को किस तरह अंजीर बनाते हैं। वाह, सरकार ने बहुत अच्छा मकान दे दिया रहने को। बंदूक जी, अंदर बोलो, हम आए हैं। तुम? जी हाँ, मैं ही इंजीनियर रवि हूँ। तो उस रोज मुझे तुमने क्यों कहा था कि तुम दिल्ली से आए हो? वो तो मैंने मजाक किया था। मजाक किया था तुमने? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे आदमी हो, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारी मेरी खूब जमेगी, क्योंकि मुझे मजाक करने वाले लड़के बड़े अच्छे लगते हैं। आपका क्या है इंजीनियर बाबू, मेरे पास एक 200 एकड़ फालतू जमीन है, बिल्कुल बेकार पड़ी हुई है, अगर आप गवर्नमेंट से सिफारिश करके वहाँ एक डैम बनवा देंगे, मेरी फालतू जमीन बिक जाएगी। और आपको बेकार जमीन के बदले
सरकार से अच्छी कीमत मिल जाएगी, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा होगा? भाई वाह, क्या सवाल पूछा है, ऐसे एक सवाल पर हजार जवाब कुर्बान। पहली नजर में देखते साथी में पहचान गया था कि तुम बहुत साफ आदमी हो, पारस हो पारस, पत्थर से टकराओगे उसे सोना बना दोगे। मैंने कहा था ना तुम्हारी मेरी खूब जमेगी। चलो भाई, हमारी तुम्हारी दोस्ती के लिफाफे पर ये 10,000 रुपए का छोटा सा स्टाम्प। ठाकुर साहब, हाँ। मेरी एक माँ है जिसकी मैं पूजा करता हूँ, हाँ। जिसके हाथों में मैं अपनी कमाई रख दिया करता हूँ ताकि उसके आशीर्वाद से मेरी कमाई में और बरकत हो। वाह वाह वा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये देवी तुम धन्य हो, सचमुच पूजा के योग्य हो कि तुमने आजकल के जमाने में ऐसा बेटा जना है। तुमने बेटा नहीं जना देवी, हीरा जना है। ठाकुर, आज जिस हाथ पर तुम 10,000 रुपए रख रहे हो, याद है उस पर एक दिन तुमने 10 रुपए रखने से इनकार कर दिया था? सावित्री तुम? हाँ, वही मजलूम औरत जिसको तुमने बर्बाद कर दिया था, जिसने एक दिन तुम्हारे दर पर खड़े होकर अपने बेटे को शहर भेजने के लिए तुमसे 10 रुपए मांगे थे। मैं वही सावित्री हूँ जिसे तुमने धुतकार कर बेइज्जत कर अपने घर से निकाल दिया था। मैं वही सावित्री हूँ। ये रवि तुम्हारा बेटा? हाँ, रवि मेरा ही बेटा है जिससे तुम तबेले साफ करवाना चाहते थे, भैंसे धुलवाना चाहते थे, जिसके सर पर हाथ रखकर उस दिन मैंने अपने सुहाग की कसम खाई थी। आज मेरी वो कसम पूरी हो गई। तकदीर ने तुम्हें नीचे गिरा दिया और मेरे बेटे को ऊंचाई पे खड़ा कर दिया। बस करो सावित्री बस, मेरा काफी अपमान कर चुकी हो तुम। अगर मुझे मालूम होता कि ये रवि तुम्हारा बेटा है तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। यही ना, इसलिए कि तुम्हारे पास ना शर्म है ना शर्माने वाला दिल है। तुम इंसान नहीं बल्कि एक चलती फिरती तिजोरी हो। तुम्हारे सिरे में दिल की जगह नोटों का बंडल रखा हुआ है। उस दिन तुमने उस डॉक्टर को डरा धमका कर, उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी जबान को खरीद लिया था, और आज तुम यहाँ मुझे खरीदने की उम्मीद से आए हो। लेकिन तुम्हें यह नहीं मालूम था कि जिसे तुम खरीदने आए हो वो तुम्हें यहाँ बेचने के लिए आया है। मैं उस शरीफ और ईमानदार मास्टर का बेटा हूँ जिसे न तुम्हारी दौलत खरीद सकी न तुम्हारी धमकी डरा सकी। मैंने जितनी भी तालीम हासिल की, जितनी भी किताबें पढ़ी हैं, उन किताबों की लिखाई मेरी माँ की मेहनत के पसीने से लिखी हुई है। ऐसे ईमानदार बाप और देवी समान माँ की औलाद से बेईमानी की उम्मीद रखने वाला इंसान दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ कहलाता है। इसलिए लौट जाओ, नोटों की सीढ़ी पर चढ़कर आकाश को छूने की कोशिश मत करना वरना गिर जाओ। इतनी चोटें लगेंगी कि अगला जन्म लेने के बाद भी शरीर जख्मी। बच्चे, तुमने सिर्फ शहर के कॉलेज में पढ़ाई की डिग्री ली है, मैंने इस दुनिया के कॉलेज में तजुर्बे की पढ़ाई हासिल की है। मैंने बड़े बड़े ईमानदारों को देशभक्ति का नारा लगाते हुए देखा है। चार पटके पढ़ते हैं ना, अकल खुद ब खुद ठिकाने आ जाती है। इसलिए मेरी राय है, मुझे भाषण मत देना। मैं सुबह शाम लोगों को भाषण दिया करता हूँ। मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, कदम कदम पे बारूद बिछा हुआ है, चीथड़े उड़ जाएंगे तुम्हारे, कोई पहचान नहीं पाएगा कि तुम्हारे टुकड़े हैं या रेत के जर्रे। मैं यहाँ का राजा हूँ, 40 साल से यहाँ राज करता आया। तुम आ जाए, इनकलाबी बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि जानते हो इनकलाबियों के झंडे का रंग लाल होता है, कहीं ऐसा ना हो कि उसे लाल रंग देने के लिए तुम्हारा खून इस्तेमाल करना पड़े। मिस्टर शेर सिंह, इनकलाब तो जरूर आएगा, लेकिन देखना यह है कि उस झंडे पर खून किसका इस्तेमाल होता है। अब आप जा सकते हैं, वो रहा फाटक। हमें सांप के बिल से फुंकारने की आवाज आ रही है। हमसे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं होगा अगर वो सांप हमें डस ले और चुपचाप चला जाए। कहिए तो सांप का सर कुचल डाले। नहीं नारायण दास, हम उन लोगों में से नहीं है जो सांप का सर कुचल कर उसे मार डालते हैं। हम उन लोगों में से है जो सांप का सर पकड़ लेते हैं और उसके बाद उसके जहरीले दांतों को निकालकर उसे नचाते हैं और पैसा कमाते हैं। ये रवि भी बहुत खतरनाक सांप है। हम उसके सर उठाने का इंतजार करेंगे और जैसे ही वो सर उठाएगा हम उसे खड़ाक से पकड़ लेंगे। मैं सुना है सांप को बीन की धुन बहुत पसंद है। बीन सुनने के बाद वो सर उठाता है और फन फैला देता है। ठीक है, तो फिर जाओ और मालूम करो ये कौन सी बीन पर सर उठाएगा, इसकी पसंद क्या है, ये किससे प्यार करता है। फौरन छानबीन शुरू करो। ये तुम्हारा भाई किस मिट्टी का बना हुआ है?
अभी अभी गांव में आया है और आते लोगों के दिलों पर छा गया है। कोई खास बात तो जरूर है उसमें। खास बात यह है कि वो अपनी जबान के और सूल के पक्के, जो बात कहती वो पत्थर की लगी, दुनिया इधर की उधर हो जाए पर वो अपना कहा जरूर करेंगे। अगर वो इतने पक्के हैं तो उनसे कौन हमारी शादी के बाद भी पक्की कर दे और साथ साथ मुझे डैम पर एक छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट भी दिलवा दे। वाह बहुत चालाक हो। लड़कियां कभी अपनी शादी की बात करती है? तुम ही जाके करो ना। ठीक है काम बड़ा प्यारा। मैं खुद ही फिसल रहा हूँ। ये कैसा गांव है, मैं कैसे फिसल सकता? फिसलना तो चाहिए नहीं था मगर ये सब लड़की है या कुतुब मीनार, दिल्ली का चांदनी चौक, आगरा का मुमताज महल, बरेली की हवेली और हैदराबाद की चिकन बिरयानी। बाबूजी आप क्या बोल रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अफसोस, लानत लानत है मुझ पर, मेरा सर शर्म के मारे अपने आप आपके कंधे पे झुका जा रहा है, झुका जा रहा है। अबे ये कौन है तू? एक तो अबे ऊपर से कौन है तू? टेबल इंसल्ट, जानते नहीं कौन हूँ मैं? कौन हो तुम? अरे इस गांव के मालिक, सरकार, परवरदिगार शेर सिंह बंदूक वाले का करीबी रिश्तेदार। ओहो, तो शेर सिंह बंदूक वाले के आप करीबी रिश्तेदार हैं? मेरा नाम है भूषण, प्यार से लोग मुझे बुशी कहकर भी पुकारते हैं, बुशी 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 बुशी। आप बता सकते हैं कि उनके घर तक कैसे पहुंचा जा सकता है? हाँ हाँ जरूर, लेकिन भूषण साहब इस गांव का असूल है कि आंख के अंधे को मर्द हाथ पकड़कर मंजिल तक ले जाते हैं और अकल के अंधे को औरतें ले जाती हैं। आप कौन सा वाला हाथ पसंद करेंगे? दूसरा, दूसरा टाइप, औरत वाला। तो फिर आंखें बंद करो। शाबाश, खोलना नहीं आंखें। चंपा भूषण साहब को घर तक ले जाओ। चलो चलो। क्या हाथ है, चली चली रे पतंग, चली चली रे, कुछ के पार क्या नाजुक हाथ है। देखो बाबूजी आप आंखें मत खोलो। नहीं नहीं मैं, मगर मैं ये नीचे कहाँ जा रहा हूँ, ये ढलान कैसी है? बाबूजी ये नजदीक का रास्ता है, आप जल्दी पहुँचोगे? जल्दी पहुँच जाऊंगा, मुझको भी जल्दी पहुँचना है। अरे मुझे पानी में से कौन निकालेगा, जल्दी। कोई बात नहीं, शेर सिंह बंदूक वाले को बोल दूंगा। क्या कसरत है, अंग अंग हिल रहा है। हिलना बस, जब तक मैं तुम्हारी इन खूबसूरत टांगों को अपने कैमरे के लेंस में दबा नहीं लूं, जब तक मैं तुम्हारे ब्यूटीफुल फिगर को अपने कैमरे के शटर में जकड़ नहीं लूं, हिलना मत, हिलना मत। ए देखो कौन हो तुम? मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा पड़ोसी। अरे भूषण, भूषण तुमको याद नहीं? मैं तुम्हारी उंगली पकड़ता था बचपन में और तुम मेरा गला पकड़ती थी। एक बार तुमने मुझे कुएं में धक्का दे दिया था और मैं बाल्टी पकड़ के बाहर आया था, तुमको याद नहीं? मैं नदी में नहा रहा था, तुम मेरे कपड़े लेके भाग गई थी, मैं नंगू नंगू बाहर आया था। डैडी 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 देखिए ना ये कौन पागल आ गया। क्या हुआ बेटी, क्या बात है? डैडी देखो ये बंदर क्या बकवास कर रहा है। खच्चर की औलाद कौन है तू? आपने भी मुझे नहीं पहचाना? मैं आपका भूषण पड़ोसी, बुशी बुशी। हाँ हाँ हाँ, ये क्या पुलिस से भाग के आ रहे हो? पुलिस से नहीं तो क्यों? तुम्हारी हालत से ऐसे लग रहा है जैसे कुछ गंदी नालियों में, कुछ कीचड़ में फलान के आ रहे हो। आप जो सोच रहे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जब रास्ते में आ रहा था तो बाल्टी भर भर के बरसात हो रही थी, इसलिए मैं भीग गया। ये अचानक एकदम कैसे आना हुआ? क्या बताऊं मौसा जी, एक साइकिल की दुर्घटना में मेरे माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई। अब आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? इसलिए मैं सदा के लिए, हमेशा के लिए आपके चरणों में आ गया हूँ। और आपको तो याद होगा कि आपकी पत्नी यानी मेरी मौसी ने मरते वक्त मुझे बुलाकर क्या कहा था। बेटा बुशी, मेरी आखिरी तमन्ना याद रखना, जब कभी तुम शादी करो तो मेरी बेटी रेखा से ही करना, याद है ना मौसा जी? हाँ हाँ याद है बुशी बेटा। मुझे याद है जिस वक्त मेरी पत्नी यानी तुम्हारी मौसी मर रही थी, उस वक्त तुम वहाँ नहीं थे। आए आई। अरे गोविंद क्या हो रहा है? कुछ नहीं बेटे, बूढ़ी मैं हो गई हूँ और सठिया ये गया। आज चंपा का जन्मदिन है और ये पागल सुबह से कुछ खाए पिए बिना उसके लिए तोहफा बनाने में लगा हुआ है और वो चंपा फूल जमा कर करके आज सुबह से इसके लिए माला बनाने में लगी हुई है। अजीब पागलों के बीच में मैं फंस गई हूँ। अरे दादी माँ ये पागलपन नहीं है,
इसे तो प्यार कहते हैं। कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर इन दोनों फूलों को शादी के धागों में पिरो दो, फिर देखना सब मामला अपने आप ठीक हो जाएगा। क्यों गोविंद भैया? तुम दोनों नजदीक आओ, हम छलांग लगाते हैं, फिर देखो तमाशा। रेडी, वन टू बजाने का शौक रखता है। तुम लोग यही ठहरो, हमेशा मजा चकाते हैं। अरे अरे बोंगे, रुक रुक रुक। ए गोविंद, ला ये बांसुरी हमें दे। ज्यादा होशियारी मत दिखा, ला दे। अच्छा, तो ये बांसुरी चंपा को देगा, हमें नहीं देगा? देख रे गोविंद, सीधे सीधे दे दे, वरना हम काट लेंगे तुझे। क्या दूसरी बांसुरी ला कर देगा? नहीं, हमें यही बांसुरी चाहिए। बांसुरी चंपा को लेना चाहता था ना? गोदावरी को दे रहे हैं। उस गूंगे ने हमारी बेटी पे हाथ उठाया? हाँ डैडी, उसने बुरी तरह धक्का दिया, हम जमीन पर गिर पड़े। मुंह में जबान नहीं लेकिन सर घमंड से भरा हुआ उसका। बंदूक ची जी, जाओ जाके गोविंद को तलाश करो, और जैसे ही वो मिल जाए उसे मार मार कर रेल की पटरी में फेंक दो। जाओ। Thank you.
बदतमीजी की बच्ची एक बेजुबान को जानवर की तरह मार खिलवा दी, एक गरीब लड़की की सालगिरह की खुशियों को बर्बाद कर दिया और खुद यहाँ इस कार्टून के साथ हंसी मजाक कर रही है। लेकिन हमने क्या किया? अगर मैं अपनी जुबान से कहूंगा तो तुम्हारे पत्थर दिल पर असर नहीं होगा, आंखों से दिखाऊं तो शायद उस पर असर हो जाए। अब मैं सहरो मेरे होते हुए मेरी मौजूदगी में मेरी आंखों के सामने मेरी इजाजत के बगैर तुम इसको कैसे ले जा सकते हो? भाई ये तो पकड़ मार गया। जालिमो भगवान तुम्हारे हाथ पात्रों को एक गरीब को किस बेदर्दी से मारा है। तुझे तो मालूम है रेखा कितनी जिद्दी लड़की है, अगर उसने बांसुरी मांगी थी तो दे देनी थी। हम गरीबों का जन्मदिन क्या मरण दिन क्या सब एक जैसा तो होता है। मेरे तोहफे के लिए तूने इतने सारे जख्म क्यों खाए? बांसुरी के लिए तुझे नदी में कूदने की क्या जरूरत थी? मुझे मालूम है गुरु, तूने ये सब मेरे लिए किया, तुझे नहीं करना चाहिए था। गोविंद ला तेरा सर मेरी गोद में रख दे, ले जा। देखा उनकी तरफ कैसे एक दूसरे का दर्द बांट रहे, दर्द के एहसास को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जख्म एक को लगता है तो दर्द दूसरे को होता है, इसे कहते हैं प्यार, इसे कहते हैं इंसानियत। इंसान दुनिया में इसीलिए पैदा किया गया है, न कि दौलत बटोर कर गरीबों का हक छीन कर अपनी मनमानी करने के लिए। अरे जिसे भगवान ने इंसान बनाकर दुनिया में पैदा किया है उससे जानवरों की तरह बर्ताव करने का दूसरे इंसान को क्या हक है? औरत तो देवी का अवतार लेकर इस दुनिया में आई है, जो मां बनकर औलाद को सही राह दिखाती है, पत्नी बनकर पति के दुख में उसका साथ देती है, प्रेमिका बनकर प्यार का अमृत मर्द की जिंदगी में खुलती है। उसका चरित्र शांत बनाए भगवान ने। अगर भगवान ने तुम्हें अच्छी सूरत देकर पैदा किया है तो अपने दिल से घमंड निकालकर उसमें अच्छी सीरत भी पैदा करो। सूरत तो मिट जाती है, अच्छी सीरत की याद दुनिया में हमेशा बाकी रह जाती है। औरत तो देवी का अवतार लेकर इस दुनिया में आई, जो मां बनकर औलाद को सही राह दिखाती है, पत्नी बनकर पति के दुख में उसका साथ देती है, प्रेमिका बनकर प्यार का अमृत मर्द की जिंदगी में खुलती है। सपनों में सजना सजना पे दिल
बेले देखे जवानी के रेले देखे अजीनों के मेले देखे दिल पे तू ही छा गया हो तू ही छा गया हर नैनों में सपना सपनों में सजनी सजनी पे दिल आ गया के सजनी पे दिल आ गया अंग मिले अरमा खिल गए पूरब पश्चिम से पश्चिम पूरब से कैसे मिल गए प्यार के जमाने मिले हुस्न के खजाने मिले दिन के बहाने मिले मन में हो जो तू आ गया सपनों में सजनी सजनी पे दिल आ गया के सजनी पे दिल आ गया नजारे मिले हमें किनारे मिले दिल के सहारे मिले दिल में जो तू आ गया नैनों में सपना सपनों में सजनी सजनी पे दिल आ गया के सजनी पे दिल आ गया सजनी पे दिल आ गया अपने किए पे शर्मिंदा है माफी मांगने आए हैं भगवान भी तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता मैं कौन होता हूँ भगवान सब कुछ माफ कर सकता है लेकिन घमंड माफ नहीं कर सकता जुल्म करने वाले को कभी क्षमा नहीं करता बस रवि बस
अब ये चुभने वाले शब्द बर्दाश्त नहीं होते। आज हमें पता चला हमारे कारण कितने गरीबों का दिल दुखा होगा। अपने मजे के लिए कितनों की जिंदगियों को हमने बदमजा कर दिया होगा। हमें माफ कर दो रवि। अगर कोई मुझसे कहे कि सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से निकला तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन अगर कोई मुझसे ये कहे कि तुम और तुम्हारे पिताजी बदल गए हैं, इंसान बन गए हैं, मैं ये कभी नहीं मानूंगा। इंजीनियर साहब आपने मुझे बुलाया? हाँ, तुम इस गांव का हिसाब किताब रखने वाले मुनि हो ना, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें वो जगह दिखा दूं जो मैंने डैम बनाने के लिए चुनी है। हाँ, दिखाओ। ये जो पहाड़ी दिख रही है ना, हाँ? इस पहाड़ी से लेकर उस पहाड़ी तक की जो जमीन दिख रही है। हाँ ठीक है, बना डालो। सरकार ये जमीन भी ले लेगी। हाँ ले लो। आगे सुनो, और ये 500 एकड़ जमीन भी ले लेगी। ये जमीन भी? हाँ, डैम बनाने के लिए यही जगह मुनासिब है। मैं अपनी रिपोर्ट तैयार करके इरिगेशन डिपार्टमेंट को भेज रहा हूँ। अरे ठहरो साहब ठहरो, ये जमीन ठाकुर साहब की है, यहाँ अच्छी खेती बाड़ी होती है, तुम इसको भी पानी के नीचे डुबा देना चाहते हो? डैम बनाने के लिए अक्सर हजारों एकड़ जमीन, खेत, रास्ते पानी के नीचे डुबोने पड़ते हैं। 6 सिंह का नुकसान होगा, लेकिन गाँव वालों का हमेशा के लिए फायदा हो जाएगा। अरे गाँव वाले के चीले में 6 सिंह को अगर पता चलेगा वो तुम्हारा देहरादून बना डालेगा। देहरादून बना डाले या बुरहनपुर, अगर शेर सिंह ये जमीन नहीं देगा तो गवर्नमेंट ये जमीन उसे जबरदस्ती छीन लेगी। अरे मेरी बात समझने की कोशिश करो, अगर उसको पता चलेगा तुम्हारा चलना मुश्किल कर देगा, तुम्हारा भागड़ा नगर बना डालेगा। नारायण दास, मैंने तुम्हें यह राय देने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि इसलिए बुलाया कि रिपोर्ट तैयार करने से पहले मुझे इस जमीन की डिटेल, इसका एरिया, इसकी हदबंदी और इसका सर्वे मैप चाहिए फौरन। सरकार का राज चलता है क्या? हम नहीं देते सरकार को जमीन। आप चाहे मिलिट्री आए, चाहे टैंक आए, चाहे ट्रक आए, हम नहीं देते। मगर जब मैंने पहले आपको चेतावनी दी थी कि ये आदमी खतरनाक है तो आपने क्या कहा था? क्या कहा था? नारायण दास, तुम्हारा नाम गधे दास होना चाहिए। हम सांप से खेलना जानते हैं, उसका जहर निकालना जानते हैं, उसके दांत तोड़ना जानते हैं। बताओ क्या वो कागजात बड़े ऑफिस में पहुँचे? नहीं, अभी तक तो नहीं पहुँचे। इसका मतलब है अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा। इससे पहले कि वो कागजात बड़े ऑफिस में भेज दे, हम उसे भगवान के ऑफिस में भेज देंगे। क्या खुदकुशी करने के लिए तुम्हें मेरी जीप मिली थी? नहीं, मैं तुम्हें बताने आई हूँ, मेरे डैडी ने तुम्हें मारने के लिए गुंडे इकट्ठे किए हैं। बेटी, आज तुमने मेरे बेटे की जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। उपकार तो आपके बेटे ने मुझ पर किया है माँ जी।
मेरे घमंड के शीशे को तोड़कर सच्चाई के आईने में मेरी सूरत दिखा दी। इतना फर्क है बाप बेटी में। सरकार, हम लोग बैठे बैठे मुंह देख रहे हैं और वो इंजीनियर का बच्चा गांव वालों के लिए भगवान बनता जा रहा है, राम का अवतार बनता जा रहा है। अरे उसका कुछ कीजिए, वरना वो अवतार हम लोगों का तारका डालेगा। देखते जाओ मुनीम, हम भी ऐसी चाल चलेंगे कि यही गांव वाले उसके मुंह पे थूकेंगे। अरे मगर कैसे? बड़ा आसान तरीका है, हम गांव वालों को इस बात का एहसास दिला देंगे कि रवि राम के भेष में रावण है। जिस तरह उसका बाप औरतों का शौकीन था, उसी तरह बेटा भी औरतों का शौकीन है। औरत देखता है मुंह से राल टपकने लगती, और जैसे गांव वालों ने बहुत साल पहले उसके बाप को धक्के देके जलील करके गांव से बाहर निकाल दिया था ना, वैसे वो बेटे को भी जलील करके बाहर निकाल देंगे। मेनका यहाँ से कुछ दूर रहती है, उसकी खूबसूरत बेटी लीला वही ये काम करेगी। तो समझ गई लीला, तुम्हें क्या लीला दिखानी है? हाँ जी, बरसों पहले तुम्हारी माँ ने अपनी कलाकारी से रवि के बाप को बदनाम किया था, अब तुम्हें रवि को बदनाम करना है। अगर तुम पुश दर पुश यही काम करती रही तो तुम्हारा नाम इतिहास में सुनहरी शब्दों से लिखा जाएगा। ये मर्दों का सत्यानाश करने वाली बहादुर औरतें। मेरी तो भगवान से प्रार्थना है कि हे भगवान, मुझे भी अगले जन्म में औरत बनाकर इन्हीं के खानदान में पैदा करना। लेकिन अगर इस काम में थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हारा नंगा पर्वत बना डालूंगा। क्या बना डालूंगा? नंगा पर्वत। चलो, यही वो हरामजादा जो जीप में आ रहा है, इसका जामनगर बना डालो। तुम्हारा काम है सिर्फ आदमी बताना, उसका जामनगर बनाना या श्रीनगर बनाना वो मेरा काम है। अब हटो। बाबूजी, बाबूजी जीप रोको बाबूजी। बाबूजी, मेरे पिताजी बहुत बीमार है, सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थे, पता नहीं अचानक उन्हें क्या हो गया। अगर आप अपनी जीप में बिठाकर उन्हें अस्पताल तक ले जाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। कहाँ है तुम्हारा घर? वो उधर। आइए आइए बाबूजी, जल्दी आइए ना। आइए बाबूजी। अब इज्जतपुर का फालूदा पूर बनाता हूँ, जल्दी चलिए, कहीं ऐसा ना उस गांव का नाम रामनगर की जगह पापनगर हो जाए। क्या? अरे वो अपना इंजीनियर रवि है ना, सारा गांव भगवान का अवतार समझता है। हाँ? वो शैतान का अवतार निकला। क्या कह रहे हो मुनि? वो एक औरत के साथ उसके मकान में अकेला घुस गया। मुनि ऐसी बातें मत करो, हो सकता है वो उससे राखी बनवाने के लिए गया हो। राखी बनवाने के लिए कपड़े उतारने की क्या जरूरत है? क्या उसने कपड़े उतार दिए? मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने घर को बाहर से ताला भी लगाया, ये उसकी चाबी है। मुनीम, अगर ये बात सच निकली हम उस इंजीनियर को जूते मारकर अपने गांव से निकाल देंगे। क्यों मेरे इज्जतदार भाई हो? अरे ओ राम के अवतार का ढोंग करने वाले ढोंगी, बाहर आ, गांव की पवित्र धरती को अपवित्र कर दिया। शराफत की वर्दियों में कैसे कैसे बेईमानों ने शरीर अपने छुपा रखे, इससे कहो बाहर आए। चले इंजीनियर, बाहर आ, तेरी शराफत का भाखड़ा नंगल डैम फूट चुका है क्योंकि उसमें बेईमानी का सीमेंट मिला हुआ था। चल बाहर आ रहे, और उस बुलबुल को भी लेकर आ जिसके साथ में खटमंडू बना रहा था। क्या बात है भाई, बहुत लंबा चौड़ा जुलूस लेकर आए। ये तुम्हारा जुलूस निकाला है। चल चल चल, नाटक बंद कर, उस बुलबुल को बाहर बुला जिसके साथ गुलचर्रे उड़ा रहा था तू। बुलाओ। हाँ हाँ, जब ये कहते हैं तो बुलाओ। ठीक है, अगर आप सबकी यही मर्जी है तो बुलाते। अरे भाई बाहर आ जाओ। ये अंदर तो लीला गई थी, वापसी भी रामलीला कहाँ से आ गई? ठाकुर साहब, ये क्या तमाशा है, अपनी बेटी को रवि के साथ इस घर में बंद कर दिया, अब हम सबको दिखाने के लिए यहाँ बुला लाया, ये बहुत गंदी बात है। एक बात के लिए इसे गिरा हुआ मजाक और नहीं हो सकता। चलो भाइयों चलो। कुत्ते, गधे, सुअर, उल्लू के पट्टे। एक मिनट, जानवरों के नाम बाद में गिरा, मैं जरा इनसे एक मिनट निपट लूं। तुम यहाँ कैसे आ गई? कैसे मतलब? क्या तुम्हें मालूम नहीं, मैं यहाँ कुछ देर ऐसे ही बातें करने के लिए आई थी। बाद में जब जीप में रवि आया, उसके अंदर आते ही तुम बाहर से ताला लगाकर भागे। मैं चिल्लाती रही, मुनीम अंकल, मुनीम अंकल, और तुमने मुझे देखा, मेरी आवाज सुनी, फिर भी भाग गए। क्यों? मेरा मजाक उड़ाने के लिए? डैडी को सारे गांव में बदनाम करने के लिए? छी 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 छी, अब डैडी गांव वालों को क्या मुंह दिखाएंगे?
बंद हो गए। नहीं मालिक, आपको विजयवाड़ा की कसम, आपको पटियाला की कसम, आपको मध्य प्रदेश की कसम, आपको उत्तर प्रदेश की कसम। खामोश, बंद कर तेरा पटियाला, विजयवाड़ा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेरे सारे गांव खत्म हो चुके हैं। नहीं, अब मैं तुझे सोनापुर बनाऊंगा। सोनापुर समझता है गधे की औलाद, सोनापुर बनाऊंगा। अरे नहीं, सोने लग जाएगा। कहीं की ये क्या पागलपन है?
ऐ मेरी बर्फी की पेटी, कलाकंद की टोकरी, रबड़ी की कटोरी, चौपाटी की कुल्फी, जरा मुस्कुरा दो, मैं तुम्हें अपने कैमरे में बंद कर लू। स्माइल, वन, टू। ऊपर वाले ने तुम्हें सिर्फ मुझे बर्बाद करने के लिए पैदा किया है क्या? मैं जब भी किसी खूबसूरत लड़की की तस्वीर लेता हूँ, तुम यमदूत की तरह आग टपकते हो। मगर यहाँ तो कहीं पानी भी नहीं है, मुझे तुम किस तरह भिगोगे? मैं तुम्हें भिगोने नहीं, तुम्हारी तबीयत साफ करने आया हूँ। तबीयत साफ? यह किस लॉन्ड्री में होती है? मेरे हाथ की लॉन्ड्री। पद्मा चलो यहाँ से। चलो मगर फोट। एक बेवो अंग्रेजी बंदर, अगर गांव की भोली भाली लड़कियों को बहकाने की कोशिश की तो मैं तेरी आंखें फोड़ दूंगा। अरे ठहरो, कमजोर पे क्यों दांव जमाते हो? अपनी बहन को क्यों नहीं रोकते? आखिर वो क्यों मर्दों के मुंह लगती है? हराम दादे, मेरी बहन को बदनाम करता है। सच बता रहा हूँ, शक्ति जी के साथ इश्क कर रही है। झूठ हो तो जान से मार देना। शक्ति, मुझे इस तरह तुमसे बार बार अकेले में मिलने से बहुत डर लगता है। भाई जाने अगर मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो वो न जाने क्या कर बैठेंगे। क्या कर बैठेंगे? शक्ति, अगर दोबारा मेरी बहन को आंख उठाकर भी देखा तो मैं बीच चौराहे पे तुझे जिंदा जला डालूंगा। अबे जा, बड़ा है जिंदा जलाने वाला। मैं भी मर्द हूँ, हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी। उस कमीने मुनीम की बेटी से प्यार करने लगी है। हे भगवान, बेटा जवान लड़की तेज तलवार की तरह होती है, उसकी जरा सी गलत हरकत घर की इज्जत को कत्ल करके रख देती है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इसके हाथ पीले कर देने चाहिए। तुम ठीक कह रही हो माँ, ढूंढता हूँ कोई शरीफ लड़का और जल्द से जल्द इसकी शादी कर देता हूँ। नहीं भैया, मैं शक्ति के सिवा किसी और से शादी नहीं करूँगी। पद्मा, मैं जानती हूँ भैया, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। मैं उनसे छुप छुप कर मिलती रही, मगर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो आपसे खुद आकर शादी की बात करने वाले थे, लेकिन इससे पहले ये बात हो गई। भैया, अगर मेरी शादी उनसे नहीं हुई तो किसी और से भी नहीं हो पाएगी। तुम हमारे मर्जी के खिलाफ उस शैतान के बेटे से शादी करोगी? बाप की शैतानी से बेटे को क्या लेना देना? शेर सिंह अगर सालिम है तो उसकी बेटी तो वैसी नहीं है ना। इसी तरह अगर मुनीम बदमाश है तो क्या जरूरी है कि उसका बेटा भी बाप की तरह बदमाश हो? भैया, अगर मेरी शादी शक्ति से नहीं हुई तो मैं जान दे दूंगी। होश में हो या भंग चढ़ा रखी है? शक्ति मेरा बेटा है, कोई कोल्हापुरी चप्पल नहीं कि जिसने जब चाह अपना पैर घुसेड़ दिया। कहाँ राजा भोज का बेटा, कहाँ गंगू तेली की बहन? सारे गांव में बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही तुम्हें मिला था, और कोई तुम्हारी नजरपुर से नहीं गुजरा? मुनीम जी, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करने का फैसला भी कर लिया है। अब मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। शक्ति, जिस वक्त तुमने मुझ पर हाथ उठाया था उसी वक्त मैंने सोच लिया था ये तो साला बनने से पहले ही भनोरी पर हाथ उठा रहा है, साला बनने के लायक नहीं है, इसलिए शादी का इरादा मैंने अपने दिल से बाहर निकाल दिया है। शक्ति, मुझसे भूल हो गई, मैंने जज्बात में आकर तुम पर हाथ उठाया, मुझे नहीं मालूम था कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। मैं माफी मांगने आया भाई, मुझे माफ कर दो, मेरी बहन को अपना लो। जो आदमी तुम्हारे बाप के काले करतूत अपनी आंखों से देख चुका है वही रिश्ता कैसे होने देगा? नारायण दास, अब अगर तुमने मेरे पिताजी का नाम भी लिया तो मैं जबड़े समेत तुम्हारे दांत उखाड़ दूंगा। मैंने तुम्हें और तुम्हारे बेटे को इंसान समझकर रिश्ते की बात की थी, लेकिन वो मेरी भूल थी। शैतान के खून से कभी इंसान पैदा हो ही नहीं सकता। शक्ति, सबसे बड़ी गलती मेरी बहन की है जो तुझ जैसे बेमुरव्वत इंसान से दिल लगा बैठी है और रो रो के कह रही है कि मैं शादी करूंगी तो शक्ति से, वरना जान दे दूंगी। उस बेवकूफ लड़की को यह नहीं मालूम
कि जान लेना तो इस खानदान का शौक है। कभी नफरत से जान ले लेते हैं और कभी मोहब्बत से जान ले लेते हैं। नमस्ते मालिक। नमस्ते। आज मैंने ऐसा बढ़िया काम किया है कि आप सुनकर खुशी के मारे अमृतसर हो जाएंगे। किसी को अपनी बेईमानी के जाल में फंसा लिया होगा चिटिया वाले। नहीं, उससे भी बढ़िया काम किया है। आज वो अकड़ा हुआ इंजीनियर मेरे घर आया था, अपनी लाडली बहन के लिए मेरे बेटे का हाथ मांग रहा था। तूने मंजूर कर लिया ना? कैसे मंजूर कर लेता, मैं कोई अली बाग हूँ? मैंने पेट भर गालियाँ दी, ऐसी ऐसी बातें सुनाई कि उसके चेहरे से अफ्रीका टपकने लगा। गाड़ी रोको नालायक, बेवकूफ गधे, मुझे अल्फाज नहीं मिलते तुझे गालियां देने के लिए। इतना अच्छा मौका तूने अपने हाथ से गवा दिया, हमें इस मौके की कब से तलाश थी जानता है? फौरन जा, जा और जाकर शादी मंजूर कर। जाके शादी मंजूर कर लो। हाँ, वो शादी मंजूर कर। नहीं नहीं, सुन, इधर आके सुन। ये तुम क्या कह रहे हो शक्ति? तुम पद्मा से शादी करने के लिए तैयार हो? जी हाँ, उस दिन गुस्से में मैंने ना जाने क्या क्या बकवास कर दी। बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं पद्मा को भुला नहीं सकता, किसी और से शादी कर लूंगा तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए आपसे माफी मांगकर मैं आपकी बहन का हाथ मांगने आया हूं। हो सके तुम्हें माफ कर दो। नहीं नहीं शक्ति, इसमें माफी की क्या बात है? मेरी बहन का घर बस जाए, मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है? लेकिन लेकिन तुम्हारे पिताजी। मैंने उन्हें मना लिया है, वो भी अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है, अंदर आने से घबरा रहे थे, बाहर खड़े हैं। बाहर खड़े? अरे अरे मुनीम जी, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या बताऊं बेटा, अपनी बदतमीजी के शब्दों ने पैरों में बेड़ियां डालकर यहीं बिठा दिया है। बेटा तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारा दिल हिंदुस्तान की तरह महान है, पुरानी बातों को भूल जाओ और हमारे रिश्तेदार बन जाओ। आप ये क्या कर रहे हैं? आप जो कहेंगे मुझे मंजूर है। हैं? तो फिर 3 दिन में इनका लगन कर दिया जाए। 3 दिन में? हाँ, इसकी कुंडली यही कहती है, वरना 3 साल इंतजार करना पड़ेगा। क्या 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 सोच रहे हो? कोई बात नहीं, अगर भगवान को यही मंजूर है तो 3 दिन से आप शादी की तैयारी शुरू। तुम्हारी ये बात सुनकर मेरा दिल हैदराबाद की तरह आबाद हो गया। चलो बेटा, अपनी किस्मतपुर का सितारा बहुत जोरों पर है। अबे, ये शादी के मुबारक मौके में तेरी आंखों में आंसू, चल जल्दी से शगुन के दाने देंगे, उनका कल्याण हो जाएगा। कहेगा कल्याण, मेरा तो कब्रिस्तान हो गया, और कोई पार्टी होती तो मैं उससे हरे हरे 25,000 के नोट रखवा लेता, मेरा लड़का मुझसे बिक गया तुम्हारे फायदे के लिए। अबे तू 25,000 की बात कर रहा है, मैं तुझे 50,000 रुपए दे दूंगा। कितने? 50। तो पहले क्यों नहीं बता, कामा का इतने आंसू निकलवा दिए। अबे देख जल्दी से रोना बंद कर दे, तो वैसी तेरी शकल खराब है, ऊपर होएगा और मनुष्य लगेगा नाक पोंछ। अबे क्या कर रहा है बे, चल चावल फेंक, चावल फेंक। नारायण दास अब मजा आएगा, इंजीनियर की बहन तुम्हारे घर में है और इंजीनियर हमारे हाथ में, हम उसे इस रिश्ते की डोर से ऐसे नाच नचाएंगे कठपुतलियों की तरह, हर काम करवाएंगे उससे। अगर उसने इनकार कर दिया तो तुम अपने बेटे से कह के उस पर इतना जुल्म करना कि वो खुद ब खुद घबरा के मान जाए। सरकार, इस एक शादी से आपको कितने फायदे हो रहे हैं? मेरा तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है। एक तो बेटे की गलत जगह शादी करवाई, ऊपर से अपनी प्यारी बहू पर जुल्म भी करना पड़ रहा है, नुकसान भी उठाऊं पाप भी कमाऊं। चलिए आपके लिए सब मंजूर है, लाइए वो लाख रुपया निकालिए, मैं कुछ दिनों के लिए अपना मुंह बंद कर लेता हूँ। लाख रुपए? कौन से लाख रुपए में? आपने शादी के मंडप में कहा था ना 1,00,000 रुपया दूंगा। मुझसे झूठ बोलता है, मैंने लाख नहीं बोला था, 50,000 बोले थे। कैसी बात कर रहे हैं, 50,000 में तो मैं अपनी शादी नहीं करूंगा, बेटे की तो दूर की बात है। क्या है उस दिन वो शहनाई जोर से बज रही थी ना, आपको ठीक से सुने नहीं दिया होगा। नारायण दास, तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारी मुट्ठी में हूँ। अगर मुझसे हुज्जत करोगे, अगर लाख रुपए दोबारा तुम्हारे मुंह से निकला तो ना नारायण रहेगा ना दास, बिना फाटक की रेलवे लाइन पे लिटा दूंगा। नारायण इस तरफ कट जाएगा, दास उस तरफ कट जाएगा। कैसी बात करते हैं मालिक, दरअसल क्या है कि उम्र का तकाजा है, भरपूर जवानी तो रही नहीं, बुढ़ापा आ गया है और याददाश्त भी कमजोर हो गई है। अब याद आया मुझे, हाँ उस दिन आपने 50,000 ही कहे थे। नहीं, 25,000 कहे थे। Thank you.
देश के नौजवानों से अपील। कृष्णनगर के इस भयंकर जानलेवा तूफानी सैलाब ने बेशुमार इंसानों को मौत के घाट उतार दिया, गांव के गांव उजाड़ दिए। सरकार ने देश के नौजवानों से अनुरोध किया है कि वो आगे बढ़ें और मौत की मौजों में फंसे हुए अपने उन भाई बहनों की जिंदगियों को बचाएं। भाइयों, करीब के गांव के सारे हालात आप लोग जान चुके हैं। भारत के शहरी होने के नाते यह हमारा फर्ज होता है कि मुसीबत में फंसे हुए अपने भाई बहनों की जान बचाएं। हम एक एक घर के दरवाजे पर खड़े होकर लोगों से अनाज, रोटी, कपड़ा, दवाइयां मांगेंगे। खुद जाकर सैलाब में फंसे हुओं को बाहर निकालेंगे, बीमारों का इलाज करें और जो मर चुके हैं उनकी लाशों का क्रियाक्रम करें। इसलिए भाइयों, हम सबको वहां जाना होगा। मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी। कल 7 बजे ठीक हम लोग गांव के चौपाल पर मिलेंगे। अरे ये क्या, वो सारे नौजवान लड़के कहाँ हैं जिन्होंने मेरे साथ चलने का वादा किया था? नहीं, हम उन्हें तुम्हारे साथ हरगिज नहीं भेजेंगे। तुम क्या चाहते हो कि हम अपने जवान बच्चों को उस गांव में भेजें जहां मौत मुंह फैलाए खड़ी है, लाशों के शहर में जहां उनकी बदबू से बीमारियां फैल चुकी हैं? तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, हम अपने बच्चों को तुम्हारे साथ नहीं भेजेंगे। नहीं भेजेंगे, हम अपने बच्चों को मरने के लिए अकेला नहीं भेजेंगे। जाओ, तुम अकेले चले जाओ, जो करना है कर लो। चलो भाई चलो। इंसान इंसान के जो काम आता है, इंसान इंसान के जो काम आता है, खुद को खतरे में डाल के औरों को बचाता है, औरों को बचाता है। इम्तिहान इम्तिहान इंसानियत का आज इम्तिहान, इम्तिहान इम्तिहान इंसानियत का आज इम्तिहान। टूटे दिल को जो संभाले, डूबते को जो बचा ले, टूटे दिल को जो संभाले, डूबते को जो बचा ले। काम आए औरों के वही तो है इंसान, इम्तिहान इम्तिहान इंसानियत का आज इम्तिहान। मुस्कुराती गाती बस्तियां हुई वीरान, आंखों में है जिनकी गंगा जमुना के धारे, अपने ही देशवासी हम वतन है हमारे, अशकों का एक रंग सबका दर्द एक समान। इम्तिहान इम्तिहान इंसानियत का आज इम्तिहान, इम्तिहान इम्तिहान इंसानियत का आज इम्तिहान। Thank you.
घट दुल्हन का खोले बिना कोई सो गया। माँ को नहीं खबर भंवर में लाल खो गया। माँ मर चुकी है भूखा लाल फिर भी पुकारे। कमजोर बुढ़ापे को देगा कौन सहारे। गांव को शमशान देख रो दिया भगवान। इम्तिहान इम्तिहान इंसानियत का आज इम्तिहान। गांव के नौजवानों में रामनगर के इंजीनियर रवि ने अपनी जान पर खेलकर एक दूध मुहे बच्चे को सैलाब के आगोश से। माँ जी, आज आपके बेटे का नाम सारे देश की जुबान पे होगा। हाँ जी, काश मेरे पिताजी और मुनीम जी के दिल में भी गरीबों के लिए ऐसी ही हमदर्दी होती तो आज ये गांव कितना सुखी होता। तेरे बेटे ने तो इस पाप के दौर में कृष्ण का अवतार लेकर आया है। अगर मेरे 100 बेटे होते ना सावित्री, तो उन्हें तेरे एक बेटे पर कुर्बान कर देते। आज घर घर में रवि का नाम सुनाई दे रहा है। वो एक हफ्ते भर में गांव का मर्द मैदान बन गया है। जब वो लौट कर आएगा तो उसका ऐसा स्वागत होगा, उसका ऐसा स्वागत होगा जैसे कृष्ण महाभारत जीत कर लौटे थे। स्वागत मेरे बद सकल भूषण, जब वो गांव वापस आएगा तो उसकी दुर्गत बनेगी। जब उसे ये मालूम पड़ेगा कि सरकार ने डैम का कॉन्ट्रैक्ट हमारे हवाले कर दिया है और वो हमारे हाथ के नीचे एक मामूली सा इंजीनियर है, तो फिर उसे ऐसा झटका लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा कि वो सर से लेके पैर तक काला हो जाएगा। उसका कलेजा फट के विजा का फटनम हो जाएगा। अब यूं समझ लो कि रवि हमारी इस मुट्ठी में है और उसके जरिए हम सरकार का सारा माल इस मुट्ठी में बंद कर लेंगे। माल तो मुट्ठी में करोगे, मगर मेरे दिल की छुट्टी कब करोगे? मेरी मरती हुई मौसी की आखिरी तमन्ना कब पूरी करोगे? उस रेखा का सुंदर हाथ मेरे हाथ में कब धरोगे? दादी माँ, रवि बाबू गोविंदा सब लगा रहे हैं। गोविंदा आ रहा है, मेरा गोविंदा आ रहा है। दादी माँ वो देखो। दादी माँ, कभी कभी तो लगता है भगवान भी धनवानों की तरह गरीबों का साथ नहीं देता। क्यों बेटी, ऐसे क्यों बोल रहा है? और क्या बोलूं दादी माँ, उसने हमसे हमारा गोविंद हमेशा के लिए छीन लिया। मेरा गोविंद? हाँ दादी माँ,
वहां पहुंचते ही उसने दिन रात लोगों की सेवा शुरू कर दी। एक मिनट न आराम करता था न सोता था। अचानक उसे कॉलेरा हो गया और वो कॉलेरा गोविंद को मौत की नींद सुलाकर चला गया। दादी माँ, मेरा बच्चा सो गया। मुझे उसकी बहुत फिक्र लगी रहती थी। वो गुंगा था ना। सोचती थी जिंदगी कैसे गुजारेगा। मैं मर गई तो उसका क्या होगा। मौत से जिंदगी मांग मांग कर जीती रही। मगर मुझे उसकी मौत पर बड़ा गर्व है कि मरते हुए लोगों को जिंदगी देते देते वो मर गया। ये बुढ़िया जिसके बुढ़ापे से कमर चुका थी, उसके पोते ने सारे गांव में उसका सर ऊंचा कर दिया। बेटी बेटी तुझे याद है मैंने सावित्री से कहा था मेरे 100 बेटे होते तो उसके एक बेटे पर कुर्बान कर देती, मगर आज मेरे एक पोते ने मेरे 100 बेटों का काम कर दिया है। वो मरा थोड़ी है, वो मरा नहीं, वो अमर हो गया है। मेरा बेटा अमर हो गया है। मेरा बेटा अमर हो गया है। रेखा, दादी माँ ने सच्ची कहा है, गोविंद वाकई अमर हो गया, हमारे दिलों में हमेशा के लिए अपनी यादें छोड़ गया, और उसकी ये बूढ़ी दादी माँ तो देवी है। भगवान अगर इस संसार में अवतार लेकर आएगा तो दादी माँ जैसी औरत के चरण छूने में उसे गर्व महसूस होगा। लेकिन चंपा का क्या होगा? गोविंद तो उसकी जिंदगी था, वो ये दुख कैसे बर्दाश्त कर सकेगी? चंपा, 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 क्यों इंजीनियर बाबू, तुमने हमारे मालिक की जमीन पर कब्जा करके समझ लिया कि बहुत बड़ा तीर मार लिया, मगर इन्होंने चक्कर चलाकर वसीला लगाकर वो डैम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथ में ले लिया। अब महाराज शेर सिंह तुम्हारे पालनपुर है और तुम एक सिर्फ मामूली इंजीनियर हो। अगर इंजीनियर को पत्नी कहा जाए तो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो पति हुआ, और पत्नी को चाहिए कि अपने पति का हुक्म माने। ये इस कॉन्ट्रैक्ट में भरपूर माल कमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक मैं यहाँ एक इंजीनियर की हैसियत से हूँ, ना मैं इन्हें एक ईंट कम लगाने दूंगा, ना एक मुट्ठी सीमेंट चुराने दूंगा, समझे? सुना आपने इंजीनियर क्या कह गया? ये हरामपुर का हरामी इंजीनियर हमको एक मुट्ठी सीमेंट चुराने नहीं देगा। देगा मुनीम, उसका बाप भी देगा। अभी हमारे पास एक तीर बाकी है चलाने के लिए। कौन सा तीर? तुम्हारी बहू जो इंजीनियर की बहन है, आज से तुम और तुम्हारा बेटा उस पर बेतहाशा जुलम करोगे। उसे जुलम से बचाने के लिए उसका भाई हमारी हर बात मानने पर मजबूर हो जाएगा। तो अभी शुरू करता हूँ। पद्मा, ओ पद्मा जी, पानी कहाँ है? जल्दी कुएं से पानी निकालो, मुझे नहाना। अरे नौकर कहाँ गए? आज से मैंने नौकरों को निकाल दिया। क्यों, तुम्हें घर का काम करते हुए शर्म आती है? शर्म किस बात की, ये तो मेरा धर्म है। धर्म है तो पानी निकालो। जी आई। जी पिताजी। दो दिन भर आराम करती रहती, कभी काम भी करेगी या नहीं? ये कितना कचरा पड़ा है, तेरा बाप साफ करेगा? चलो झाड़ू मारो, मना जूते से कबार लूंगा। पद्मा, ओ पद्मा। जी आई। जी मुझे काम से बाहर जाना है, खाना तैयार है? नहीं, मैं अभी पका रही हूँ। अभी पका देती हूँ? तुम कितनी काम चोर हो गई हो, दिन भर घर में बैठकर सोती रहती हो। 5 मिनट के अंदर खाना तैयार नहीं हुआ ना, आज मेरे हाथ मार खाओगी तुम।
हे राम। अरे अरे बाबा, क्या हुआ? क्या हुआ? शायद आपको चक्कर आ गया और आप गिर पड़े। हाँ गिर पड़ा, बरसों पहले ऐसा गिराया गया था कि गिरता ही चला गया। अब तो ठोकरें खाना और गिरना मुकद्दर बन के रह गया है। कहाँ जाना है? ठोकरों की किताब में जहाँ लिखा होगा वहीं चला जाऊंगा बेटे। लेकिन इस हालत में आप जाएंगे कहाँ? अगर आपको कोई एतराज ना हो तो यहीं रहकर काम कर लीजिए, मैं आपको काम पर लगा देता हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे बेटे। आइए। बहू बहू, घर में पीने का एक बूंद पानी नहीं है, जल्दी पानी भर के ला, मुझे बहुत प्यास लगी है। पिताजी, पिताजी सारा पानी फेंक कर कहते हैं घर में पानी नहीं है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? जी हाँ, मैंने आपको खुद पानी फेंकते हुए देखा। आप दोनों मिलकर ऐसा बुरा सलूक क्यों कर रहे हैं? मैंने कौन सी गलती की है जिसकी आप मुझे सजा दे रहे हैं? आप तो जानते हैं डॉक्टर ने मुझे आराम करने को कहा है, और आप लोगों ने उल्टा तमाम नौकरों को निकालकर मेरी हालत नौकरों से भी बदतर कर दी है। तुम्हारा मतलब है हम तुमसे बदला ले रहे हैं शक्ति? हम तुमसे दुश्मनी कर रहे हैं शक्ति? क्या अच्छे घर की बहू ऐसी होती है? उनकी इतनी लंबी जबान होती है शक्ति? क्या बात है पिताजी? बेटा मैंने इसको कहा, देख तू इसको अपना घर समझ, अच्छे घर की बहुएं अपने घर का काम करती है, तो मुझ पे बरस पड़ी, मेरा हरियाणा और अंबाला में डाला, मुझसे जबान लड़ा रही है। तुम्हारी ये मजाल की मेरे देवता समान पिताजी के साथ जबान लड़ाओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मार मार के खाल खींच लूंगा मैं तुम्हारी। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों इसे मार रहे हैं? क्यों इतना जुल्म कर रहे हैं इस पर? ले एक और हमदर्द आ गई इनकी, इनको काम करने को कहो तो ये जुल्म हो गया इन पर। यही तुमने अपनी बेटी को सिखा के भेजा था हमारे घर के अंदर? भाई साहब मगर ये तो सोचिए ये किस हालत में है, ये माँ बनने वाली है, गर्भवती है, गर्भवती पर कोई हाथ उठाता है क्या? इसी दिन के लिए आपने अपने बेटे के लिए इसका हाथ मांगने आए थे? अरे हाथ मांगने आए थे, कोई भीख मांगने तो नहीं आए थे। और फिर जब तक तुम्हारे घर में थी तुम इसकी माँ थी और ये तुम्हारी बेटी थी, अभी हमारे घर में रहती हमारा खाना खाती है, हमें इसे डांटने का पूरा हक है। तुम्हें पूरा हक है, लेकिन अगर तुम उस हक का नाजायज इस्तेमाल करके जुल्म करोगे तो माँ ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और तुम लोग ये मत भूलना कि इसकी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं, अभी तक इसका भाई जिंदा है। जिंदा तो क्या करेगा, हम सबको मार डालेगा। अरे अगर इतना प्यार है तुझे अपनी बहन से तो ले जाए इसे यहाँ से। मैं समझूंगा मेरी बहू मर गई, अपने बेटे की किसी अच्छे घराने में शादी करा दूंगा। हाँ। क्यों नहीं, जवान हूँ खूबसूरत हूँ, एक से एक अच्छी बीवी मिल सकती है मुझे, लोग तो मर रहे अपनी बेटियों की मुझसे शादी करने के लिए। ले जाओ अपनी बहन को, नहीं चाहिए इस मनुष्य को इस घर में। शक्ति जबान संभाल कर बात कर, अब अगर एक भी गंदा शब्द मेरी बहन के लिए इस्तेमाल किया तो बहुत बुरा अंजाम होगा। करूंगा जरूर करूंगा, खासकर उस औरत के लिए जिसका बाप बदमाश था, जिसकी काली करतूतों के लिए सारे गांव ने उसे धुतकार कर गांव से बाहर निकाला था। सबर करो, तुम्हारे जोश और जज्बात कहीं इसका घर न उजाड़ दे। लड़की तो पैदा ही होती है जुल्म सहने के लिए, हम भी देखते हैं इनमें जुल्म करने की ताकत ज्यादा है या हमारी बेटी में जुल्म सहने की ताकत ज्यादा है। अगर ये इंसान है, दुख दर्द समझने वाला दिल इनके सीने में है, तो एक दिन ये अपने किए पे पछताएंगे, पद्मा को उसका हक जरूर देंगे। तुम ठीक कहती हो मां, तुमने मुझे जन्म दिया है, मेरी तकदीर को जन्म नहीं दिया। अगर मेरी तकदीर में यही लिखा था कि मुझे इस घर में आकर यही सब कुछ सहना है तो सह लेने दो। भैया ये समझना कि उस रोज तुमने अपनी बहन को डोली में बिठाकर ससुराल नहीं भेजा था, बल्कि अर्थी में शमशान घाट भेज दिया। मर गई तुम्हारी बहन, और मरने वालों पर क्या बीतती है, सिंधु को उसकी परवाह नहीं करना चाहिए। जाओ भैया जाओ मां जाओ। चलो बेटा चलो। दस्तखत क्यों करूं, यहाँ सामान जब आया ही नहीं, हमें मिला ही नहीं, मैं रसीद पे दस्तखत क्यों करूं? अरे नहीं भाई नहीं, हम तो सिर्फ सलाह दे रहे हैं, तुम आज इस रसीद पे दस्तखत कर दो और कल की तारीख डाल दो, उसके बाद आज की तारीख में सरकार को एक खत लिख दो, कहो यहाँ बारिश बहुत जोर से हुई थी, सारा माल बर्बाद हो गया है, तो सरकार तुम्हें नई रेती और सीमेंट खरीदने की इजाजत दे देगी। क्यों मुनीम जी? हाँ।
तुम कॉन्ट्रैक्टर इसलिए बने हो कि इंजीनियर के जरिए सरकार को धोखा देकर दौलत लूटते रहो। मैं बिकाऊ नहीं हूं, न ही तुम्हारी जबरदस्ती के आगे घुटने टेकने वालों में से। मैं धोखेबाजी की इन रसीदों पर दस्तखत नहीं करूंगा। ये तो दुम झाड़ के चला गया। जाने दो मुनीम, अब इन कागजात पर दस्तखत करवाने के लिए हम नहीं, हमारे आदमी आएंगे। अदमा, क्या हुआ? मैंने अपने भाई का कहना न मानकर जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा खाया है और तकदीर उसी का बदला दे रही है। भैया, मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। ओ भैया। नहीं पद्मा, नहीं, रो मत, पूरे दिन गुजर ही जाते हैं। शरीर जलाने वाली कड़ी धूप के बाद ठंडी शामें भी तो आती हैं। अब बता, तो यहाँ किस लिए आई है? वो चाहते हैं कि मैं तुमसे इन कागजात पर दस्तखत करूं। पहले मैंने इनकार कर दिया तो उन्होंने मुझे पकड़ा। कितने जालिम है वो लोग। एक माँ बनने वाली औरत पर हाथ उठाते हैं, एक मजबूर लड़की को ऐसे मारा। अरे वो लोग इंसान हैं, दरिंदे हैं, जानवर हैं, क्या है? कितना जुल्म करेंगे? उन लोगों को भगवान से जरा भी डर नहीं लगता। पद्मा, जिंदगी ने आज फर्ज और रिश्ते के इम्तिहान में लाकर खड़ा कर दिया है। अगर इन कागजात पर दस्तखत करता हूं तो दुनिया की नजरों में मुजरिम बन जाता हूं। अगर एक भाई होने के नाते तुम्हारे आंसू नहीं पहुंचता, तुम्हारे जख्मों का इलाज नहीं करता, तो भगवान की नजरों में गुनेगार बन जाता हूं। इसलिए तुम्हारे आंसू की खातिर मैंने इन कागजात पर दस्तखत कर दिए। ये मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी गलत कदम होगा। मैं उन्हें दोबारा मौका नहीं दूंगा कि तुम्हारे जरिए वो लोग मुझसे कोई गलत कदम उठवाए। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं आज ही अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा। वाह 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 वाह, वेरी गुड जवाब ने अंकल के दिमाग का। क्या स्कीमें बनाकर काम करते हैं, तभी तो सारा गांव उनके पैरों के ऊपर पड़ा रहता है। ये तीर भी उन्हीं के दिमाग से निकला हुआ जिसने तुम्हारे ईमान को जख्मी कर कर इन कागजात पर दस्तखत करने के लिए मजबूर कर दिया। पता उन्होंने मुझसे क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, रवि की बहन पर इतना जुल्म करना कि उसके मरे हुए दादे पर दादों की आत्मा चिल्ला उठे। और मैंने जुल्म किया, बहुत जुल्म किया उस पर, तभी तो आपने दस्तखत कर दिया ना। मुझे जुल्म से बचाने के लिए मेरे भाई ने नौकरी से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। भाई ने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया, और ऐसे भाई को बदनामी से बचाने के लिए एक बहन के नाते मैं अपना फर्ज पूरा कर रही हूँ। यह क्या कहते तुमने? तुमने यह कागजात फाड़ कर मेरे हाथ में आई हुई दौलत के पुर्जा पुर्जा कर दिया। कोई बात नहीं, तुम घर चलो, मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। चलो, कितना मजा चखाओगे? मारने के सिवा तुम कर भी क्या सकते हो? और कब तक मारोगे? जिंदा हूँ तब तक ना, मर जाऊंगी तब क्या करोगे? मैं मरने के लिए तैयार हूँ, चलो। एक रास्ता है,
अगर तुम्हारे पिताजी की कोई कमजोरी मेरे कब्जे में आ जाए तो वो मेरी पकड़ में आ सकती है, और तुम्हारी मदद के बिना मैं ये काम कर नहीं सकती। मुझे बताओ मैं क्या मदद कर सकती हूँ। ये तुम क्या कर रही हो, मेरे मुंह में भी पानी भराया, तुम ये कैरी क्यों खा रही हो? मेरा दिल करता है खट्टी खट्टी चीजें खाऊं। कैरी, इमली। तुम तो ऐसे मजा लेके बोल रही हो कि मेरा भी जी करता है कि मैं भी खट्टी खट्टी चीजें खाऊं है। लेकिन मैं खास वजह से खा रही हूँ। खास वजह से? कौन सी? मैं वो वो क्या? वो क्या? अरे बाप रे बच्चा, मौसा जी, मौसा जी। अरे मौसा, आपका और मेरा दोनों का दीवाना निकल गया। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहा है? ओहो, याद है आपको, मरने से पहले मेरी मौसी की एक ही तमन्ना थी कि मेरी शादी रेखा से हो जाए। अबे गधे की औलाद, मैं तुझे हजार बार बोल चुका हूँ, अब आखिरी बार बोलता हूँ। जब मौसी मर रही थी उस वक्त तू वहां नहीं था, अगली बार बोलूंगा नहीं जान से मार दूंगा। अरे मौसा, मौसा, तेरी इज्जत के खजाने में कुछ नहीं बचा क्योंकि तेरी बेटी खा रही है खट्टा कैरी। कैरी खा रही है ना? हाँ। अपने बाप के बाग से खा रही है, कोई तेरे बाप के बाग से खा रही है? तुझे खाना है तू भी जाके खा। अरे समझे नहीं मौसा, समझे नहीं, समझे नहीं, खट्टे का मतलब नहीं समझे, खट्टा खा रही है मतलब आराम जादे की औलाद, मेरी बेटी पे कीचड़ उछालता है, तेरे लिए रेलवे लाइन नहीं, तुझे तो इसी फाटक में जान से मार दूंगा मैं। मार डालो, मार डालो, फाटक पर क्या, यही मार डालो, मगर जब 6 महीने के बाद असलियत का पता चलेगा तो मुझे याद करोगे और खुद ही जाओगे रेलवे क्रॉसिंग पर अपना सर देने, अपने हाथ से हरी झंडी हिलाओगे और रेलगाड़ी को बुलाओगे, आजा आजा मुझे मार। तुम यही रुकना, यहां से जाना मत, सच क्या है झूठ क्या है मैं खुद मालूम करके आता हूं। बेटी, हमारी बेटी, तुम जानती हो ये भूषण आके हमारे पास कितनी गंदी गंदी बातें करता है, वो हमसे कहता है कि तुम उससे उससे हो। हाँ ये कह दो कि ये झूठ है, ये सच नहीं। नहीं डैडी, बिल्कुल सच है। क्या इसका मतलब है कि तुम माँ? कौन है वो, कौन है वो कमीना जिसने हमारी बेटी की शादी होने से पहले ही शेर सिंह को नाना बना दिया? तुम हमको उसका नाम बताओ, हम उसके पूरे खानदान को मार के जमीन में गाड़ के उसके ऊपर ट्रैक्टर चला देंगे। नाम बताओ, नाम बताओ, नाम। एक शर्त पर, अगर आप मेरी शादी उसके साथ करवाएंगे तो नाम बताऊंगी। मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ कराऊं या उसकी अर्थी निकालूं, तुम नाम बताओ बस। रवि। रवि के बच्चे, ये तूने अच्छा नहीं किया, तूने शेर सिंह के मुंह पर थप्पड़ मारा है, एक बकरी होकर तूने शेर के जबड़े में हाथ डाला है, तेरी जिंदगी खत्म, देख लेना, तुम देख लेना, मैं बिना फाटक की रेलवे लाइन पर उसकी लाश का कीमा बनाऊंगा, कीमा। डैडी, अगर आपने रवि को उंगली भी लगाई तो कल मैं आपको जिंदा नजर नहीं आऊंगी। आज जहां फैन लटक रहा है, कल वहां मेरी लाश लटक रही होगी। ठीक है सर। रवि, रवि, हमारे बेटे, हमारे लाडले, हमारे दामाद जी। दामाद जी? मद्रास जाने वाली गाड़ी पहुंच गई अहमदाबाद। शेर सिंह जी, मैं तो एक मामूली इंजीनियर हूँ। हाँ, हाँ, वो तो हम जानते हैं, लेकिन इस वक्त गुजरी हुई बातों को भूल जाओ बेटे, हमारी बेटी कैरियां खा रही है। जाहिर बात है, गांव भर की कैरियां चुरा कर घर में रखोगे या तो चूहे खाएंगे या तो फिर तुम्हारी बेटी खाएगी। बेटे, वो बात नहीं है, वो उससे है। किससे है? उम्मीद से। किस किस्म की उम्मीद? अरे मेरे बाप, मेरे बाप वो माँ बनने वाली है। अरे आप मिठाई नहीं लाए साथ में? मुबारक हो। मजाक मत करो जी, ये सब तुम्हारी मेहरबानियों का नतीजा है, अब चलो वो तुम्हें याद कर रही है। लेकिन इस वक्त मेरे पास बहुत काम है, मैं इस वक्त नहीं आ सकूंगा, बाद में आऊंगा। आओगे जरूर ना? देखो नहीं आओगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, उसने हमें धमकी दी है, हमारा अपना मन करता है कि हम कैरिया खाएं। हाँ तुम जरूर आओगे ना?
आ गया, मेरा राज दुलारा दामाद आ गया, स्वागतम, आओ आओ। रेखा कहाँ? रेखा ऊपर है, आओ चलो। नहीं नहीं, आप बताइए, मैं खुद ही जाकर उससे बात कर लेता हूँ। चुप रहे, जाकर मेरे होने वाले दामाद के लिए चाय कॉफी का प्रबंध कर, चल। उसके लिए चाय कॉफी का प्रबंध मैं करूं? बंदूक से। जाता हूं, जाता हूं। वाह खेल शुरू हो गया, वाह 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 खेल शुरू हो गया, कुछ मुझे मिला और कुछ खो गया, कुछ मुझे मिला और कुछ खो गया। मुलाकात है ये रात है प्यार की, बेटे बेटे क्या हुआ, क्या कहा उसने, क्या वो सचमुच मां बनने वाली है? जी हाँ,
बेटे तो फिर देर नहीं करनी चाहिए, मैं इन कुत्ते की औलाद गांव वालों को अच्छी तरह जानता हूँ, ये सब मिलकर एक ही सुर लापेंगे, कहेंगे कि मैं मेरा मुंह काला हो गया है। हाँ बेटे मैं पंडित को बुलाता हूँ, फौरन तुम दोनों की शादी करवाता हूँ। शादी? हाँ हमारे खानदान में शादी की बात माँ बाप करते हैं, माँ से पूछना पड़ेगा, उनकी इजाजत के बिना मैं कदम भी नहीं उठाता हूँ। मेरे घर आइए और मेरी माँ से बात कीजिए, चलता हूँ। उल्लू का पट्टा, मेरे घर आइए मेरी माँ से बात कीजिए, मैं माँ की इजाजत के बगैर एक कदम नहीं उठाता, जैसे मेरी बेटी को माँ बनाने से पहले माँ की इजाजत लेके आया था। बहन मैं बहुत जलील हूँ, कमीना हूँ, पापी हूँ, गुनाहगार हूँ, और सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात तो यह है कि एक ऐसी बेटी का बाप हूँ जो अपने बाप की इजाजत के बगैर अपने वक्त से पहले माँ बनने वाली है। अब मुझे उम्मीद है कि मेरे बहते हुए आंसू की कदर करते हुए आप मुझे नाउम्मीद नहीं करेंगी। बहन तुम तो जबरदस्ती आंसू बहा रहे हो और वो भी गिरने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन तुमने मेरी माँ को इतना दुख पहुंचाया है कि एक मुद्दत से आंसू बहते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेते। माँ इस शादी के लिए एक ही शर्त पर राजी हो सकती है। मंजूर है बेटा, तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, तुम हुक्म करो बस। तुमने शक्ति और मुनीम को मेरी बहन पर जुल्म करने के लिए भड़काया, अब उनसे जाकर कहो कि वो अपना सलूक बदल दें, प्यार और हमदर्दी से उससे पेश आए। भगवान जब से तुम इस गांव में आए हो मेरे लिए समस्याएं खड़ी होती जा रही, जैसे तुम कहोगे वैसे ही होगा। सबसे पहले वो लोग अपने अच्छे बनने का सबूत पेश करें। हाँ। मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, बाप बेटे खुद घर का सारा काम करें, उसे आराम करने दें, और फिर कल सुबह सुबह ठंडे ठंडे पानी में गोदावरी में डुबकी लगाकर, वो लोग ना वो लोग, हाँ वो लोग, वो लोग वो लोग गोदावरी में डुबकी लगाकर, भीगे हुए कपड़ों में माथे पर विष्णु का टीका लगाकर, मेरे घर के सामने उछल उछल कर, कूद कूद कर, घूम घूम कर, जोर जोर से जय गोविंदा के नारे लगाएं। अरे सुबह सुबह क्यों, मैं तो कहता हूँ आज रात को ही डाल देते उन्हें पानी में, जैसे तुम कहोगे वैसे ही होगा। बस, 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 बस यही एक शर्त है जिसको पूरी करने के बाद तुम्हारी बेटी इस घर की बहू बन सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे होने वाले दामाद जी। तुमने कहा उस लड़की को अपनी बहू बनाओ, मैंने बना दिया। तुमने कहा उस पे जुल्म करो, मैंने कर दिया। अब तुम चाहते हो मैं गधे की तरह घर का काम करूं? अमीन बोझू ये कोई इंसानियत का पटियाला है? अरे वाह, गांव वाले देखेंगे तो मेरे मुंह पे थूकेंगे। गांव वाले अगर तुम्हारे मुंह पे थूकते हैं तो थूकने दो है? तुम क्या हमारी खातिर थोड़ा सा थूक बर्दाश्त नहीं कर सकते? हम जिंदगी और मौत की कसमकस के बीच में फंसे हैं और तुमको थोड़े से थूक की फिक्र है? ये काम बहुत जरूरी है, करना पड़ेगा। मैं नहीं करूंगा, और कोई चारा नहीं है। करता हूँ ना, मैं कहीं इनकार कर रहा हूँ। अरे पिताजी ये क्या कर रहे हैं? नहीं मैं किए थे। अरे नहीं बेटी क्या कर रही हो तुम? तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आज से काम यही करेंगे। तुम जाओ 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 करो। नारायण दास देखो इस सारी जमीन पर हमें जगह जगह धब्बे नजर आ रहे हैं, इन्हें साफ कर देना, आईने की तरह बिल्कुल चमका देना इसको। हम चलते हैं, शक्ल नजर आनी चाहिए। हाँ आईने की तरह चमकाना, शक्ल नजर आनी चाहिए। चमकाऊंगा, ऐसे चमकाऊंगा कि तुम घर में बैठे रहोगे, शक्ल यहाँ नजर आएगी। शैतान कहीं का। मेरा बाप उल्लू का पट्टा एक कॉन्ट्रैक्टर को क्या से क्या बना दिया। ये क्या कर रहे हैं? मुझे करना। अरे ये क्या कर रही हो बेटी? हमने अभी तुमसे कहा था ना कि तुम बीमार हो, आराम करो। देखो जब घर में दो दो बैल मौजूद हो तो भैंसों को इंसान को साफ करे, तुम तो महान हो ना। जाओ बेटी जाओ जाओ आराम करो, जाओ जाओ बेटी जाओ। हमारी बातें क्या सुन रहे हो? भैंस सूख रही है, पानी डाल के साफ करो इसको अच्छी तरह। और देखो उसके पिछवाड़े पे बैठक पे गोबर लगा हुआ थोड़ा सा, वो गोबर को अपने हाथों के साथ साफ करो, फिर नाखून के साथ उखाड़ उखाड़ के बाहर निकालो। चलो हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक कॉन्ट्रैक्टर भैंसे की बो साफ कर रहा हो। भैंसा कहीं का एक बड़ा बाप है, पापी कहीं का बुरे काम का बुरा नतीजा। अरे अरे ये खड़े खड़े झाड़ू क्या मार रहे हो मुनीम? जरा कमर झुकाओ, झुका के झाड़ू मारो। अब तो हद हो गई बुरहानपुर की, मुझसे ये घटिया काम नहीं होता, मैं झाड़ू नहीं मारूंगा। तुम झाड़ू नहीं मारोगे, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। गोली मार दूंगा? गोली तो ऐसे मारते जैसे हलवाई मक्खी मारता है। मुझे गोली खाना मंजूर है मगर झाड़ू नहीं मारूंगा, मैं गोदावरी में डुबकी लगा लूंगा। गोदावरी से मुझे याद आया, तुम लोगों को गोदावरी में जाकर ठंडे ठंडे पानी के अंदर डुबकी लगानी है। तुम्हारा मतलब मैं गोदावरी में डुबकी लगा के जान दे दूं? नहीं मरना नहीं, अभी तुम्हें बहुत काम करना है, पहले काम करो उसके बाद मरो। आंखें फाड़ के क्या देख रहा हूं मैं तरफ? चलो चलो जाओ चलो। मैं नहीं जाऊंगा, झगड़ा आपका और पिताजी का है, मैं तो कॉन्ट्रैक्टर हूँ।
गोविंदा जय 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 गोविंदा रवि तुम्हारा तीर बिल्कुल निशाने पर जाकर लगा। तुम्हारे तो बिल्कुल बदल गए हैं। तुमने शेर को बकरी बना दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मुनीम और उसके बेटे दोनों को गधा मजदूरी करना भी सिखा दिया। काम करवा करवा कर उनकी हालत बिगाड़ दी। अब तो खुश हो ना, तुम्हारा प्लान बिल्कुल कामयाब हो गया। इस कामयाबी की सारी जिम्मेदार तुम। अगर तुम माँ बनने का ढोंग इतनी खूबसूरती से ना करती तो वो लोग मेरे हाथ में कहाँ फंसने वाले थे। ये सब तुम्हारी कलाकारी का कमाल है, मुबारक हो। क्या कहा ढोंग? मेरी बेटी मेरे दुश्मन के साथ मिलकर ढोंग करके मेरा सर नीचा करना चाहती है। हाँ मौसा जी हाँ, मैंने अपने कानों से सुना, वो दोनों अपनी कामयाबी पर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। मैं आज ही उनका फैसला करता हूँ। चलिए। गर्भवती होने का नाटक, माँ बनने का ढोंग, मेरी बेटी मुझे बेवकूफ बना रही है, वो भी मेरे दुश्मनों को जिताने के लिए। डैडी मर गया। डैडी आज के बाद तुम्हारा इस घर से बाहर निकलना बंद। अगर तुमने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो डैडी, डैडी, डैडी। हुसैन, इस नाटक को बंद करने के लिए मुझे फौरन इसकी शादी के बारे में सोचना पड़ेगा। इसमें सोचने की क्या बात है मौसा जी? याद नहीं मरते वक्त मौसी ने क्या कहा था? बेटा भूसी तू ही रेखा से शादी कर लेना। बेटा भूसी हाँ? अगर तूने शादी या मौसी लफ्ज दोबारा इस्तेमाल किया तो मैं तुझे गोली मार दूंगा और खुद फांसी पे चढ़ जाऊंगा, समझे? क्या बात है नारायण दास, अपनी बहू के लिए बड़ी शानदार पूजा करवा रहे हो। लगता है इस पूजा के पीछे जरूर कोई तुम्हारी बहुत बड़ी चाल है। चाल काहे की सरकार, मेरी बहू की गोद भरी है, गांव की पवित्र औरतों को बुलवाकर पूजा करवा रहा हूँ। पूजा से आने वाला बच्चा घर में दौलत लाता है, घर को दौलतपुर बनाता है। सावित्री तुम क्यों आ गई? क्यों आ गई? भगवान ने मेरी बेटी की गोद भरी है, मुझे तो पहले आना चाहिए था। मगर ये पूजा विधवा औरतों के लिए नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं? दीदी से बात कह रहा हूँ, समझ में नहीं आती है? एक तो बिना पति के रहती हो, ऊपर से कुमकुम लगाकर अपने आप को सुहागन समझती हो, शर्म नहीं आती है? इसमें नाराज होने की क्या बात है बहन? नारायण दास जो कहता है ठीक ही तो कहता है। कितने शर्म की बात है, एक औरत जिसका पति पिछले 15 साल से गायब हो वो फिर भी अपने आप को सुहागनी समझती रहे। पतिव्रता स्त्रियों की तरह मांग में सिंदूर भरे, माथे पे कुमकुम लगाए, हाथों में चूड़ियां पहने। तुम्हारा बेटा सारे गांव को सबक सिखाता है। उसने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि तुम्हें विधवाओं की तरह रहना चाहिए? क्या उन दलीलों की इतनी हिम्मत कि उन्होंने तुझे बेइज्जत किया? बेइज्जत कहां किया, ठीक ही तो कहा। मैं बेवकूफ 15 साल से उनके जिंदा रहने और लौटाने की उम्मीद में सुहागनों की तरह जिंदगी गुजार रही हूँ। मुझे क्या हक है ऐसी जिंदगी गुजारने का? माँ। हाँ बेटे, घर में जिस औरत का पति नहीं उसके लिए दुनिया में भगवान नहीं है। ये कुमकुम ये सिंदूर उन औरतों को शोभा देता है जो अपने सुहाग के साए में जिंदा रहती है। हम जैसी औरतों को वाकई हक नहीं। आज उनके आने की आस छोड़कर मैं निशान मिटा देती हूँ, ये चूड़ियां तोड़ देती हूँ। अरे हटो, क्या हुआ? अरे हटो बाबा, अरे देख क्या रहे हो, पानी लगाओ जल्दी से। बाबा कौन है ये बेचारा? बता रहे कोई बहुत दुखी आदमी है, सुबह शाम काम करता है, फिर एक कोने में पड़ा रहता है, किसी से कोई बात नहीं करता। रवि क्या बात है माँ? रवि ये
तुम्हारे पिताजी हैं। पिताजी? हाँ। पिताजी, माँ की सारी जिंदगी का एक एक लम्हा कांटों पर गुजरा है। दिन रात लोगों की मजदूरी करके हम भाई बहन को पाला, और जब अकेली होती तो आपके इंतजार में रो रो के वक्त गुजारती। लगता है इनके आंसुओं को देखकर आज ऊपर वाले की आंखों में भी आंसू आ गए होंगे। दुनिया के तानों से तंग आकर माँ ने कुमकुम मिटा दिया। आज ये कुमकुम लगाकर माँ के माथे पर सुहागन होने की मोहर लगा दीजिए। वो सावित्री बड़ी तकदीर वाली निकली। उसका पति धर्ममूर्ति लौट आया। क्या? हाँ, धर्ममूर्ति लौट आया। अरे भाई, धर्ममूर्ति को मारो गोली। वो मेरे घर में जो मुसीबत की मूर्ति बैठी है, मेरी बेटी, उसके बारे में कुछ सोचो। वो उस कंबख रवि से बहुत प्यार करने लगी है। अगर उसके चक्कर में वो कहीं घर से भाग गई तो आपकी इज्जत का भटिंडा हो जाएगा। मुनीब, एक काम करो मेरे भाई। भाई? हाँ भाई, तुम फौरन बीनापुर जाकर वहाँ के जमींदार के बेटे के साथ हमारी बेटी का रिश्ता पक्का कराओ। आप इतनी इज्जत से भाई कह रहे हैं, मिन्नत समाजत कर रहे हैं, तो हम जरूर जाएंगे और शादी का लाल किला तैयार करवाएंगे। मौसा जी, ये क्या, मेरे होते हुए आप रेखा की शादी कहीं और कर रहे हैं? याद नहीं मौसी ने मरते वक्त मुझसे क्या कहा था? बेटा भूसी, बेटा भूसी, अगर अगली बार तुमने कभी ये कहा कि मौसी ने क्या कहा था, मैं मर गया कबूतर। पिताजी, अब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है आपके नाम पर लगा हुआ बदनामी का दाग मिटाकर उन गुनेगारों बदमाशों की असली सूरत सारी दुनिया के सामने पेश करो। ए नारायण दास, करो, मुझे तुमसे बात करनी है। मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत काम है। अरे मेरी बात का जवाब दे, वरना घुसे मार मार कर तुम्हारा सर सड़े हुए पपीते की तरफ फोड़ दूंगा। अरे क्या करते हो, गिरेबान पकड़ते हो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? यही कहेगा कि जिंदगी भर दूसरों को बर्बाद करने वाला जिंदगी के आखिरी दिनों में जूते खाकर मर रहा है। बताओ वो कौन आरती जिसने 15 साल पहले तुम्हारे कहने पर मेरे पिताजी को बदनाम किया था? मुझे क्या मालूम, मैं किसी स्कूल के इतिहास का टीचर हूँ जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बातें याद रखो? मेरे को नहीं मालूम। क्या बोल रहे हो? हो सकता है मरमरा गई हो। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी भयानक शक्ल बता रही है कि तुम सब कुछ जानते हो। नहीं बताओ, वरना एक झटका मारकर गर्दन की हड्डी को तोड़कर ये गलीज लाश नदी में फेंक दूंगा। बोलो, बताऊंगा तो नहीं फेंकोगे ना? सच बताओगे तो? बताता। मैंने कहा जो कुछ तुमने मुझसे कहा वही सब कुछ गांव की पंचायत के लोगों के सामने कहना होगा, और अगर जरा भी झूठ बोला तो बाकी की बची हुई जिंदगी जेल की चक्की पीसते कट जाएगी। मैं चलती हूँ। चलो सरकार, वो मेनका को गांव वालों के सामने लाकर हमारा भांडा फोड़ने जा रहा है, हमारा कोलापुर शोलापुर सोनापुर बनाने जा रहा है, और अगर उस हरामजादी ने गांव वालों के सामने सच उगल दिया तो गांव वाले हमें मार मार के हमारे सर पे हमारे पहाड़ का डिजाइन बना डालेंगे। लेकिन उसे मेनका का पता दिया किसने? वो गली वो मोहल्ला किसने बताया उसे? मैं बताता हूँ अंकल, जब उसने पिताजी का गला दबाया तो पिताजी ने सब सच उगल दिया। मुनीम, तुमने बताया? गद्दार तुमने! अरे ये तो भूसे से भरा हुआ शेर है, अगर ये असली शेर होता ना तो हम तुम्हें इसके सामने नाश्ते के लिए डाल देते। गधे की औलाद, इतना अहम राज बता दिया तुमने। मौत के डर से झूठ भी सच बनकर मुंह से निकल जाता है भिलासपुर की तरह, मगर मालिक कुछ कीजिए, उस मेनका को गांव आने से रोक दीजिए। शक्ति, तुम्हारा बाप तो बुजदिलों का सरदार निकला बल्कि मुर्दार निकला। बाप के नाम से कलंक मिटाने के लिए तुम्हें कुछ बहादुरी का सबूत दो, कोई अकलमंदी का काम करो। आप जो बोलो अंकल। मेनका और रवि को इस गांव में पहुंचने से पहले रास्ते में खत्म कर दो, बम से मार डालो उन्हें जलाकर उनकी राख को दरिया में बहा दो। जाओ। और मुनीम, तुम रवि के बाप धर्ममूर्ति को उसकी पत्नी के साथ बिना फाटक की रेलवे लाइन पर ले जाके खत्म कर दो। तुम्हारा बेटा हमारी लंका में आग लगाना चाहता है, उसके बदले हम तुम्हारी जिंदगी जला डालेंगे। भैया, ये क्या हालत बना रखी मेरे माता पिता की? अरे माता पिता वाली। भूषण, तुम तो जानते हो कि मेरी शादी तुमसे नहीं हो सकती, इसलिए मेरी मदद करो प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं तुमको तुम्हारे प्रेमी के पास भेजकर तुम्हारे खूसक बाप को मजा चखाऊंगा।
बस रवि बस बस लो सुनो, गांव के लोगों की जिंदगी बरसों से बर्बाद करते आए और आज जब अपनी बारी आई तो बस रवि बस। ऐसे नहीं शेर सिंह, तुम्हें सजा देने के लिए, तुम्हारा फैसला करने के लिए ये जगह नहीं है। गांव के लोगों के सामने उसी चौपाल पर खड़े होकर जहां तुम आज तक लोगों का फैसला करते आए हो, उसी जगह पर तुम्हारा फैसला भी किया जाएगा। ले चलो इसे। मैं हमेशा तुम्हारे खिलाफ रहा और आज तो तुम्हारी जान भी लेना चाहे, इसके बावजूद तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, हो सके तो मुझे माफ कर दो भाई। मुनीम जी अपने माँ बाप को जबरदस्ती बैलगाड़ी में बिठाकर बिना फाटक के रेलवे लाइन पर ले गए हैं। तुम इनका को पंचायत में लेकर पहुंचो, मैं वहीं पहुंचता हूं। तुम ही सारे फसाद की जड़ो। नहीं मैं कहाँ जड़ू, जड़ तो शेर सिंह है, मैं तो पत्ता हूँ। वो हिलाता था, मैं हिलता था, वो पाप कराता था, मैं करता था। तो तुम अपना गुनाह कबूल करते हो? मैं तो कब से करने को तैयार हूँ, मौका ही नहीं मिल रहा था। आज तो मैं तुम्हारी पार्टी में हूँ। शेर सिंह मुर्दाबाद, रवि बाबू जिंदाबाद। चलो चलो तुम्हें, चलो ना।
मैं अपना गुनाह स्वीकार करती हूँ। मैंने दौलत के लालच में और मौत के डर से शेर सिंह की हर बात मानकर धर्ममूर्ति जैसे सच्चे और ईमानदार आदमी पर गंदा इल्जाम लगाया, उनकी जिंदगी बर्बाद की। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। सुन लिया आप लोगों ने, 20 साल बाद आज आप लोगों को मालूम पड़ा कि सच्चाई क्या थी। अब आप लोग ही फैसला कीजिए कि ऐसे इंसान को क्या सजा देनी चाहिए। अरे और क्या होना चाहिए, जिस रेलवे लाइन पर आज तक लोगों को लिटाते आए हैं वहीं पर इनको भी लिटा देना चाहिए। क्यों भाई लोग? ये मेरे पिताजी का गुनहगार है, इसका फैसला भी यही करेंगे। बोलिए पिताजी, क्या सजा देनी चाहिए इसको? भाइयों, एक इंसान को कोई हक नहीं है कि दूसरे इंसान को सजा दे, ये ईश्वर का काम है। शेर सिंह, तुम आज तक लोगों पर जुल्म करते आए हो, अब तुम्हें लोगों पर रहम करना होगा, तुम्हें प्यार देना होगा, गले लगाना होगा, यही तुम्हारी सजा है। धर्ममूर्ति, तुम वाकई धर्म की मूर्ति हो। तुमने मुझ जैसे जहरीले सांप को बख्श दिया। मैं समा के लायक तो नहीं हूं, बस इतना एहसान मुझ पर कर दो, तुम्हारा बेटा रवि जो इस गांव का मर्द है उसे मेरा दामाद बनाकर मेरे कंधों से मेरे गुनाहों का बोझ उतारने में मेरी मदद करो दोस्त। मुनीम जी, आज हम बहुत खुश हैं। क्या? हमारी बेटी बहू बनकर इज्जतदार घराने में जा रही है। घराना तो पहले से इज्जतदार था, आपने पहचानने में देर की। पहले पहचान लेते तो मार खाते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं आना पड़ता। कल्लू बेले देखे जवानी के रेले देखे हसीनों के मेले देखे दिल पे।